Yes, good morning, good morning, good morning to all of you, good morning to all of you, good morning to all of you. Swastika, Priya, Ritik, Prince, oh, Nalaika, Gagi, Pooja, Saloni, Priya, Rahul, Tejaswini, Shruti, Gayatri, Surbhi, chalo, fatafat. आपको पता ही है अटेंडेंस किस तरह से देनी होती है, अटेंडेंस किस तरह से देनी होती है. लाइक का बटन दबाओ, अटेंडेंस दे दो. आकांक्षा, राहुल पटेल, विशाल तिवारी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. धना धना आ जाइए, धना धन ज्वाइन करो फटाफट. चलिए जी, चलिए जी, चलिए जी, चलिए, चलिए जी. कहाँ गया अभी? हाँ, पहले तो लिंक शेयर करने को बोलना पड़ेगा. चलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. संकेत, साइमा, गायत्री, विश्वा, मुस्कान, आदिति, शिवानी, समीर, कालिंदी, श्रुति, आशीष सिन्हा, आरजू, श्रीदास, सिमरन, ओजा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. आनंद गट्टानी, अभय, वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. मैं जस्ट लिंक शेयर करने का एक मैसेज दे दूँ ताकि लिंक शेयर हो जाए, ताकि लिंक शेयर हो जाए. भयंकर, अच्छा भयंकर भी आता है क्या आजकल? अभय, श्रद्धा, वैभवी, मृतिका, जय जिनेन्द्र, श्रद्धा, अभय, अंशुल, राधे राधे. चलिए जी, वेरी हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. शुभम, मेरी लिंक शेयर करना यार. गुड मॉर्निंग देशा, गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग जिया, हाउ आर यू? खुशी, तेरी दो कहाँ गई सहेलिया? छोड़ के आई क्या? ऐसा थोड़ी चलता है यार. भाई किसी के पास है ना बाल बाल उगाने का अगर तेल बेल है तो भाई नाम बाम भिजवा देना. हाँ, लेकिन केश क्रांति कोई नहीं भेजेगा, केश क्रांति में ट्राई कर चुका हूँ. और कौन सा? इसकी तरफ बाल उगाने, इधर सबको बताते हैं. हाँ, ये देखो ये कितना एनर्जेटिक बंदा है, एनर्जेटिक बंदा है. डेली आता हूँ. देखो ऐसे, मुझे ऐसे बाल उगाने हैं, करेक्ट है? ऐसे बाल. पहले बच्चों को हाई कर दे. हाँ, बच्चों को हाई कर दिया. मुझे ऐसे बाल उगाने हैं, करेक्ट है? अगर किसी के पास अगर कोई ऐसी ट्रीटमेंट हो तो मुझे बता दिए, ठीक है? मुझे बता दीजिएगा. कुछ ज्ञान देना है क्या बच्चों को तुझे? ज्ञान की बात बात है, दो वाले. हाँ, अच्छा, कुछ ज्ञान देना है क्या? बोल. सबके पास है ही, सबके पास ऑलरेडी ज्ञान है. नहीं, कुछ सबके, सबके पास यूनिक चीज़ होती है ना, अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो आपके पास भी कुछ यूनिक रहेगा. बैठ जाओ. थैंक यू वेरी मच. ओके, चलिए जी, बंगाली बाबा के ताज तेल भेजता हूँ मैं आपको, ठीक है? बंगाली बाबा का तेल ऐसा आता है क्या? कोई रामदेव बाबा का न्यू ऑयल? हाँ. खिलखिलाते और चमकाते बालों का रास, केश किंग. अच्छा, फिर कौन सा है? मेडिमैक्स में क्या लिखा है? तेरा नाम, तेरा नाम कट, क्या लिखा है? तेरा नाम वाला कट है. अच्छा, ऑयल यूज करो सर जी. हाँ, कौन सा हो तो बोला नहीं भाई, बचपन से नहीं. अच्छा, ये थोड़ा इसको ऐसा करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है कि कुछ दिक्कत है. हाँ, आप लोग दिवाली में मिठाइयाँ खाते हो क्या? नहीं खाते हो क्या? मुझे लग रहा है ये बीमारी सिर्फ मुझे ही है कि सबको है मिठाई खाने की? बहुत खाते हैं क्या? पता नहीं, मतलब क्या है कि मिठाई से मैं ओकेजनली, मेरे को तो रोज चाहिए होता है. अब बताओ क्या करूँ? तो मुझे ऐसा लगा कि देयर शुड बी सम प्रॉब्लम इन माई सेल्फ ओनली. खाने के बाद कुछ खाना, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे में कुछ दिक्कत होगी यार. सर, मॉडल टू वालों के साथ ऐसा क्यों किया आपने? सर, सारे टेस्ट दिवाली के, दिवाली में रखे हैं, अभी टेस्ट देना है सर, प्लीज सर रीशेड्यूल करो. राहुल बेटा, मुझे तो पता ही नहीं बेटा, देखना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना? आई विल जस्ट चेक इट आउट. चलो अभी स्टार्ट करेंगे बेटा. हम लोग धनाधन धनाधन शुरुआत करें क्या आज बेटा? आज ना ऑलमोस्ट टॉपिक कंप्लीट कर देना, ऑलमोस्ट टॉपिक कंप्लीट कर देना. क्या हो गया बेटा? ऑलमोस्ट? नहीं नहीं नहीं, अभी तो यार मेन चंक बचा हुआ है जहाँ पे मेजोरिटी थियरी कवर होने वाली, मेजोरिटी थियरी कवर होने वाली. आई लव गुलाब जामुन. अच्छा जरा देखिए, मुझे बताओ जरा, आज थोड़ा देख के ना एक पोल लेते हैं. कौन किसको कौन सी मिठाई अच्छी लगती है, एकदम बेस्ट क्या है?
नहीं ऐसे बस बस कुछ एक बेस्ट तो होना चाहिए ना। अच्छा आप ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे आपकी बेस्ट मिठाई कौन सी है। अच्छा मैंने एक बार है ना मैंने मुंबई से काजू कतली लाया था और कार में आते आते ही मैंने है ना 1.5 किलो काजू कतली खा गया। 1.5 किलो यार, तो फिर मुझे लगा साला, और खाने के बाद फिर ऐसा दुख होता है कि साला कुछ दिमाग ठीक तो है ठिकाने पड़ते हैं लेकिन जस्ट यू कांट रेजिस्ट योर सेल्फ। ऐसा तुम्हारे साथ होता है क्या कि मतलब अब और मेरी वाइफ इतू सा खाएगी? बोले ठीक है। आई हैव नो आइडिया यार, आई हैव नो आइडिया। नहीं तेरा तो बेटा बेसिक प्रॉब्लम है ना, जेन्युइन प्रॉब्लम है बेटा तेरा ऐसा है तो ये दिक्कत है। रस मलाई, काजू कतली रस मलाई, मेजोरिटी काजू कतली आ रहा है बेटा। अरे नहीं बाबा हाँ मत करो, बता यार दिक्कत हो जाती है। आज है ना वाइफ ने कसम खा के भिजवाई है, नहीं इसीलिए भाई कसम नहीं तोड़ सकते, सब कुछ तोड़ सकते, हाँ दिक्कत हो जाए। काला काजू कतली, अच्छा मेजोरिटी काजू कतली वाले, स्वीट्स कोई भी चल पसंद है सर। अभी आपकी क्लास है, फिर जीआई जेल की, फिर मैराथन है, टेस्ट कब देंगे हम? ठीक है ना, टेस्ट को थोड़ा मैं और एक्सटेंड करवा दूंगा ना, बात कर लेता हूँ बेटा, बात करता हूँ। तो मूंग दाल का हलवा, हाँ दिस इज रियली बेस्ट। अच्छा मोहन थाल कभी खाते हो क्या? मोहन थाल बहुत पसंद है क्या? चलो बढ़िया। हमारे गुजरातियों में क्या है कि ये दिवाली आ गई, खोपरी नहीं बेटा, नहीं थैंक्स, नहीं 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 काम को दान मैं बोलूँ तो हर चीज़ सच नहीं होती बेटा, दिक्कत हो जा रहा है, हम जैसे बूढ़े लोगों को संभालना पड़ता है। देखो मधुरा माँ देखो सबके लिए स्वीट्स लेके आई हैं, ठीक है सबको। आपने जो टेस्ट सीरीज भेजी है वो भेजी है रेशन, तो हमें सब टॉपिक कवर होगा है या नहीं? हनी बेटा अभी इस क्वेश्चन पे डिस्कस नहीं करता हूँ, अभी बैठ के हम लोग पढ़ना चालू करते हैं लिवरेज। चलो अब स्टार्ट करें। यस गुड मॉर्निंग दोस्तों। लिवरेज, लिवरेज का मतलब क्या होता है? कल हमारा डिस्कशन ये हो चुका था। लिवरेज का मतलब होता है बेनिफिट, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। बेनिफिट किस पे? ऑन प्रॉफिट ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट फिक्स कॉस्ट। कल के इतने सारे एग्जाम्पल से आपको ये बातें समझ में आना स्टार्ट हो गई होगी। क्या फिक्स कॉस्ट के आने की वजह से क्या कुछ हमें नहीं, हमारे प्रॉफिट पे कुछ हमें बेनिफिट मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? हाँ कुछ बेनिफिट मिल रहा था, लेकिन अगर हाँ तो वो बेनिफिट किस वजह से मिल रहा था? चलो फटाफट डिस्कस करते हो चलते हैं। सेल्स और EBIT के बीच में, नहीं पहले एक बार बेसिक बातें कर दूं। वेरिएबल कॉस्ट क्लियर हो गया? वेरिएबल कॉस्ट विच वेरी प्रोपोर्शनली विद द चेंज इन आउटपुट और सेल्स। अच्छा मुझे तो सेल्स अगर 20% से ऊपर जाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी 20% से ऊपर, सेल्स अगर 10% से ऊपर जाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी 10% से ऊपर जाएगा। फिर फिक्स कॉस्ट विच रिमेन फिक्स, हम इसी अजम्पशन के साथ चलते हैं। फिक्स कॉस्ट में दो कैटेगरी आती है, नंबर 1 ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, नंबर 2 फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के दो बेस एग्जांपल, रेंट एंड डेप्रिसिएशन। रेंट को याद रखो ताकि आपको बहुत सारी बातें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। फाइनेंशियल फिक्स के दो एग्जांपल्स, इंटरेस्ट ऑन डेट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। ओके आपको फिर कल मैंने एक और रेशियो सिखाया था, पीवी रेशियो। कौन सा रेशियो सिखाया था? पीवी रेशियो का एक और नाम क्या है? कंट्रीब्यूशन रेशियो। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। पीवी रेशियो एंड वेरिएबल कॉस्ट रेशियोज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर आपका पीवी रेशियो 20% ऑफ सेल्स है तो मुझे बताओ 20% पीवी रेशियो में, हां पीवी रेशियो से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? कंट्रीब्यूशन अमाउंट हमें फाइंड कर सकते हैं। तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, अगर 100 में से 20 रुपया कंट्रीब्यूशन के फॉर्म में कमाया तो बाकी का 80 कहां पे चला गया? वेरिएबल कॉस्ट में चला गया। कहां पे चला गया आपका? वेरिएबल कॉस्ट में चला गया। क्या आपकी बात समझ में आ गई क्या? तो ये बात, फिर हमने रेशियो पे डिस्कशन किया, मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। उसमें एक बात मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताई कि एब्सोल्यूट वैल्यूज आर टोटली यूजलेस, एब्सोल्यूट वैल्यूज का कोई भी रिलेशन होता नहीं है। करेक्ट है, ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद फिर हमने डिस्कशन किया था, हमने कुछ रेशियोज पे, जिससे सबसे पहले रेशियो आया था ROI। क्या आया था आपका? ROI। ROI को एक और नाम है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को याद रखने का अच्छा सा तरीका, खुद का पैसा प्लस बाहर का पैसा, दोनों मिला के क्या कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है कि नहीं बनता है? खुद के पैसे में इक्विटी शेयर कैपिटल। जब भी इक्विटी शेयर, नहीं मैं अगर आपसे पूछूं इक्विटी शेयर्स का फंड, इक्विटी शेयर होल्डर का फंड क्या होता है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डेट प्लस टर्म लोन। क्या ये सब कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है कि नहीं बनता है? जिसकी भी रिटर्न की बात करेंगे वो कहां पे आएगा? डिनोमिनेटर में। उसकी इनकम कहां पे आएगी? न्यूमरेटर में। तो उनकी इनकम क्या आती है? EBIT। क्या EBIT को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नाम से बुलाते हैं कि नहीं बुलाते? मुझे बताओ फटाफट, बुलाते कि नहीं बुलाते? हाँ
उसके बाद हमने देखा था ईपीएस, ईपीएस का फॉर्मूला क्या था, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, उसको हम पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड के नाम से भी बुलाते हैं। उसके बाद आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसके भी रिटर्न की बात करेंगे वो कहां पे आएगा, डिनोमिनेटर में, तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसकी इनकम कहां पे आएगी, न्यूमरेटर में, तो इक्विटी वालों की इनकम क्या होती है, पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड या तो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद हमने कल देखा था इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट कैसे रिकलेक्ट करोगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्री, कंट्री भी काइंड ऑफ, ये ग्रॉस प्रॉफिट तो बोलना नहीं है सुखदेव, ये काइंड ऑफ क्या है, प्रॉफिट है, उसमें से क्या माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट। जब भी क्वेश्चन में कहीं पे भी फिक्स कॉस्ट लिखा होता है तो ये बाय डिफॉल्ट कौन से फिक्स कॉस्ट होती है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होती है, तो क्या आ जाएगा आपका ईबीआईटी, ईबीआईटी किसकी इनकम, डेट वालों की, इक्विटी वालों, प्रेफरेंस वालों की, इक्विटी वालों, गवर्नमेंट को एक बार एक्सक्लूड किया तो चलेगा, लेकिन गवर्नमेंट की भी इनकम इसमें इंक्लूड होती है। तो ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ईबीटी, ईबीटी में से टैक्स माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, पैट, पैट में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, अर्निंग, अच्छा पैट किसकी इनकम, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों की इनकम, अगर इक्विटी को डिविडेंड देना है तो पहले किसको डिविडेंड देना पड़ेगा, प्रेफरेंस को देना पड़ेगा, तो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये आ गया आपका, और उसमें से इक्विटी डिविडेंड दे देंगे तो क्या हमारे पास सरप्लस बचेगा कि नहीं बचेगा, तो ये बातें आपको समझ में आना स्टार्ट हो गई, ये बातें आपको समझ में आना स्टार्ट हो गई। ओके, मैंने इस पे डिस्कशन किया था, फिर कल बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारा हो गया था सब लीवरेज के बारे में, किसके बारे में डिस्कशन हो गया था, लीवरेज के, मुझे आप कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ। अब यहां से ना एक बात ध्यान रखना, पहले मुझे बताओ सेल्स और ईबीआईटी के बीच में एक बिजनेस सेल्स कर रहा है, क्या कर रहा है, सेल्स कर रहा है, तो सेल्स कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बनेगा, ऑनलाइन वाले बच्चे भी रिस्पॉन्ड करेंगे, सेल्स कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बनेगा, जल्दी से बताओ, लिवरेज में क्वेश्चन सेवन के लिए, सेल्स कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बनेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वेरिएबल कॉस्ट का पेमेंट करना कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, करेक्ट है, फिक्स कॉस्ट का पेमेंट करना कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो क्या ये इसीलिए ईबीआईटी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहा जाता है, इनकम स्टेटमेंट में अगर आपसे ये कोई पूछे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहां से कहां तक दिखेगी, सेल्स से लेके ईबीआईटी, आप लोग थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखो, कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखो ताकि बातें समझ में आए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहां से लेके कहां तक दिखेगी, तो सेल्स से लेके ईबीआईटी, अच्छा मुझे बताओ दो टाइप के रिस्क होते हैं, एक होता है बिजनेस रिस्क, एक दूसरा होता है फाइनेंशियल रिस्क, ध्यान से मेरी बात को कनेक्ट करोगे, ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस में आएंगे आपके, एक होता है आपका बिजनेस रिस्क, दूसरा क्या हो जाता है आपका फाइनेंशियल रिस्क, दूसरा होता है आपका फाइनेंशियल रिस्क, मुझे बताओ बिजनेस रिस्क मतलब क्या, सोचते पहले सोचते बोलोगे ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में, चलिए सोचते क्या सेल्स इस बार कम होगा कि ज्यादा होगा, ये बार हमें वेरिएबल कॉस्ट का पेमेंट कम करना, वेजेस का पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा, ये बार फिक्स कॉस्ट का पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा, कोविड की सिचुएशन चल रही है क्या होगा, मतलब जब इसके बारे में सोचते हैं तो नेचुरली सोच के बताओ ये कौन से रिस्क के बारे में सोच रहे हैं, बिजनेस रिस्क के बारे में सोच रहे हैं, किसके रिस्क के बारे में सोच रहे हैं, बिजनेस रिस्क, मैंने कहा दो टाइप के रिस्क होते हैं, एक तो बिजनेस रिस्क होता है, दूसरा कौन सा रिस्क होता है, फाइनेंशियल रिस्क होता है, तो बिजनेस रिस्क आपको नहीं लगता है कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को डिफाइन करता है, किसको डिफाइन करता है, कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को डिफाइन करता है, मतलब आपका सेल्स इस बार हमें लग रहा है कि इस बार सिचुएशन काफी अनफेवरेबल है तो हमारा सेल्स कम होगा, तो जब ये सोच रहे तो कौन सा रिस्क, बिजनेस रिस्क, परफेक्ट, आपको लग रहा है कि ये बार है ना वेजेस की बड़ी शॉर्टेज, लेबर्स की बड़ी शॉर्टेज है मार्केट में, वेजेस का पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, तो बताओ ये जब सोचे तो किसके कौन से रिस्क के बारे में सोच रहे हो, क्या आप बिजनेस रिस्क के बारे में सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो, आपको ये बार लग रहा है कि यार पता नहीं ऑल ऑफ सडन क्या हो रहा है कि मार्केट में मतलब ऐसा हो गया है कि लोग रेंट का मतलब जो रेंट जो हमसे चार्ज कर रहे हैं वो क्वार्टरली क्वार्टर बाय क्वार्टर ईयर बाय ईयर इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो मुझे बताओ जब इसके बारे में सोच रहे हो कौन सा रिस्क हो गया, बिजनेस रिस्क, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, तो आप मुझे बताओ जब भी हम बिजनेस रिस्क के बारे में सोचते हैं तो ये कहां से लेके कहां तक आएगा आपका, ये आपका आएगा सेल से लेके ईबीआईटी तक, बात समझ में आ गई, अच्छा अब बताओ डेट लेना मतलब बैंक से लोन लेना या डिबेंचर इश्यू करना अच्छा या बुरा, नहीं एक सेकंड, आप जब डेट लेते हो तो क्या उस पर इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, और ये जो इंटरेस्ट का पेमेंट है ये प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है कि ये फिक्स्ड है,
नहीं, मैं कहूंगा मैंने बैंक से लोन लेके रखी है, बराबर है, 100 करोड़ की लोन लेके रखी है, मैं इंटरेस्ट का पेमेंट तभी करूंगा जब मेरे पास प्रॉफिट होगा। अगर मेरे पास प्रॉफिट नहीं है तो मैं इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करूंगा। तो ये चलेगा क्या? ये नहीं चलेगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। तो उसका मतलब क्या, इंटरेस्ट का पेमेंट फिक्स है कि नहीं है? तो अब आप मुझे बताओ, कोई एक कंपनी में ध्यान से मेरी बात को सुनना, कोई एक कंपनी में सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल है, उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या है, सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल है, ना कोई प्रेफरेंस है, ना कोई डेट है, ना कोई टर्म लोन है, तो ऐसी फर्म को अनलिवर्ड फर्म कहते हैं। थियरी के लिए गुड क्वेश्चन, ऐसी फर्म कौन सा फर्म कहते हैं? अनलिवर्ड फर्म। ऑनलाइन वाले बच्चे भी रिस्पॉन्ड करेंगे, जल्दी से बताओ, ऑनलाइन वाले बच्चे भी रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं कह रहा हूं एक कंपनी के बैलेंस शीट में, कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल है, ना कोई प्रेफरेंस है, ना कोई डेट है, ना कोई टर्म लोन है, तो ऐसी फर्म को क्या कहते हैं? अनलिवर्ड फर्म। वंडरफुल। लेकिन अब उस कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट आ गया, क्या आ गया? डेट। या तो बैंक से लोन लेके आए, या तो उन्होंने क्या कर दिया, डिबेंचर इश्यू कर दिया। तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, जैसे ही कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में अब डेट आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन के साथ मेरी बातों को सुनोगे, इसे कहते हैं लिवर्ड फर्म। कौन सी फर्म कहते हैं? अब डेट आने से मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, किसका एक फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा? डेट के आने से कौन सा फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगा? नहीं, आप बराबर से आंसर करोगे, डेट के आने से, ऑनलाइन वाले बच्चे भी आंसर करेंगे, डेट के आने से कौन सा फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगा? इंटरेस्ट का फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगा। मैंने बोला, वापस बोल रहा हूं, डेट के आने से कौन सा फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगा? चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, अब डेट वाले को क्या इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। और डेट के आने से कौन सा लिवरेज मिलता है? कल से कहा, कौन सा लिवरेज मिलता है? क्या फाइनेंशियल लिवरेज मिलता है? क्या कौन सा लिवरेज मिलता है? फाइनेंशियल लिवरेज। तो क्या ये दो बातें बराबर से दिमाग में फिट रखोगे? अगर किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में या कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट नहीं है, टर्म लोन नहीं है, तो कौन सी फर्म? ऑनलाइन वाले बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन उस पर्टिकुलर कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में, बैलेंस शीट में आपका डेट आ गया, तो कौन सी फर्म? डेट के आने से कौन सी फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होती है? छोटे छोटे क्वेश्चंस, मल्टीपल थियरी क्वेश्चंस ड्राफ्ट हो सकते हैं यहां से, इसलिए इन सारी बातों को दिमाग में फिट कर लो। कौन सी फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होती है? इंटरेस्ट की। अच्छा, डेट के आने से कौन सा लिवरेज क्रिएट होगा? तो जिस कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी और डेट दोनों है, तो क्या हम कह सकते हैं कि वहां पे फाइनेंशियल लिवरेज होगा? ओ हेलो, अच्छा अब मुझे बताओगे, सेल्स और ईबीआईटी के बीच में कौन सी फिक्स कॉस्ट आती है? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। क्या इस फिक्स कॉस्ट की वजह से क्या ऑपरेटिंग लिवरेज क्रिएट होता है क्या यहाँ पे? अगर ये फिक्स कॉस्ट नहीं होगी तो क्या हमें कोई बेनिफिट, नहीं, प्रॉफिट पे कोई बेनिफिट मिले? ईबीआईटी भी एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही है। अगर ये फिक्स कॉस्ट नहीं होगी तो क्या हमें ईबीआईटी पे या अन ईबीआईटी पे कोई बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या कल मैंने एग्जांपल के साथ प्रूव किया था, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या ऑपरेटिंग लिवरेज, नहीं, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के आने की वजह से कौन सा लिवरेज क्रिएट हुआ? वंडरफुल। कौन सा लिवरेज क्रिएट हुआ? ऑपरेटिंग लिवरेज क्रिएट हुआ। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला, अच्छा एक मिनट, नहीं, ऑपरेटिंग लिवरेज का रिलेशनशिप, मैंने कहा कुछ बोला, ऑपरेटिंग लिवरेज का रिलेशनशिप सेल्स का ईबीआईटी के साथ, बराबर से बोलोगे, ऑपरेटिंग रिलेशनशिप याद रखना बहुत जरूरी है। ऑपरेटिंग लिवरेज का रिलेशनशिप सेल्स का ईबीआईटी के साथ, एकदम क्लियर है क्या यहाँ पे? ये तो सेल्स का ईबीआईटी के साथ। तो अब मुझे बताओ, उसका ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है? नहीं, ओरिजिनल फॉर्मूला याद रखने की टेक्निक क्या है? टेक्निक क्या है? सेल्स और ईबीआईटी में डिपेंडेंट कौन है? ईबीआईटी किस पे डिपेंडेंट है? क्या सेल्स पे डिपेंडेंट है कि नहीं है? तो मुझे बताओ इसको याद रखने की टेक्निक, जो डिपेंडेंट होगा वो कहां पे आएगा? न्यूमरेटर में। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। मान के चलो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 4 आया, कितना आया? 4। इंटरप्रिटेशन, 1% से चेंज होगा तो क्या आपका ईबीआईटी 4% से चेंज होगा? एक सेकंड, चेंज यूनिडायरेक्शनल है कि बाइडायरेक्शनल है? चेंज अपवर्ड भी हो सकता है तो चेंज डाउनवर्ड भी हो सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? ओके, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, एक और बात पूछता हूं आपसे, अगर ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होती है, क्या इंक्रीज होती है? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होती है। ऑनलाइन वाले बच्चे भी रिस्पॉन्ड करेंगे, अगर आपकी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होती है तो उसके वजह से क्या ऑपरेटिंग लिवरेज और इंक्रीज होगा? कल मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया था आपको ये कल वाले लेक्चर में। लेकिन अगर मान के चलो कि हाँ, तो याद, ऐसे भी थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, हायर द फिक्स कॉस्ट, हायर द डैश ऑपरेटिंग लिवरेज, हायर द फिक्स कॉस्ट, हायर द डैश। ऑनलाइन वाले बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे, हायर द ऑपरेटिंग लिवरेज, लोअर द फिक्स कॉस्ट। जब भी फिक्स कॉस्ट बोल रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट कौन सी होती है? ऑपरेटिंग ही होती है। लोअर द फिक्स कॉस्ट, लोअर द डैश, आवाज नहीं आया, ऑपरेटिंग लिवरेज। नो फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग लिवरेज विल बी डैश। नो फिक्स कॉस्ट तो नो लिवरेज।
नो फिक्स कॉस्ट तो नो ऑपरेटिंग लीवरेज, लेकिन हमारा ये सिचुएशन में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कितना आएगा, वन आएगा कि नहीं आएगा? इज दैट क्लियर टू यू? ओके, तो एक सेकंड, एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे मुझे प्रॉपर फोकस के साथ आंसर करोगे, कॉन्सेंट्रेशन के साथ आंसर करोगे। अगर किसी कंपनी में डेट नहीं है और डेट आया, तो क्या इससे ऑपरेटिंग लीवरेज में कोई इफेक्ट आएगी? ऑनलाइन वाले बच्चे भी सोच समझ के आंसर करेंगे। भाई डेट, डेट की इंपैक्ट ईबीआईटी के पहले आती है कि ईबीआईटी के बाद आती है? सोचो समझो और फिर मुझे आंसर करो। डेट के आने से क्या ईबीआईटी पे कोई इंपैक्ट? नहीं नहीं, मैं ऐसे कह रहा हूं, इंटरेस्ट कहां से माइनस करते हो? ईबीआईटी में से माइनस करते हो। और ऑपरेटिंग लीवरेज का जो रिलेशनशिप है वो किसका किसके साथ है? क्या सेल्स का ईबीआईटी के साथ है? तो अब मेरे क्वेश्चन को पकड़ो ना। मैंने ये कहा कि डेट किसी एक कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट नहीं था, डेट आया, तो डेट के आने से या डेट में कोई भी चेंज होने से, डेट के आने से या डेट में कोई भी चेंज होने से, ऊपर नीचे होने से, क्या ऑपरेटिंग लीवरेज पे कोई इंपैक्ट आएगी? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उसका कोई भी, डेट का आने का कोई भी इंपैक्ट ना सेल्स पे आता है, ना वेरिएबल कॉस्ट पे आता है, ना कंट्री पे आता है, ना फिक्स कॉस्ट पे आता है, ना आपका ईबीआईटी पे आता है, तो कोई भी इंपैक्ट आने वाली नहीं है। इज दैट क्लियर टू यू? तो अब मुझे बताओ ईबीआईटी और ईबीटी के बीच में, ईबीआईटी और ईबीटी के बीच में कौन सी फिक्स कॉस्ट आती है? क्या फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट आती है? क्या इसकी वजह से कौन सा लीवरेज क्रिएट होगा? इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, क्या डेट के आने से ये फर्म क्या बन जाएगी? लिवर्ड। डेट के आने से कौन सा लिवरेज क्रिएट होगा? क्या फाइनेंशियल लिवरेज क्रिएट होगा कि नहीं होगा? तो आप मुझे बताओगे ईबीआईटी और ईबीटी के बीच में जो फिक्स कॉस्ट आती है, क्या वो इंटरेस्ट आता है कि नहीं आता है? जल्दी से बताओ, कौन सा आता है आपका? इंटरेस्ट आता है कि नहीं आता? तो इससे कौन सा लिवरेज क्रिएट होगा? फाइनेंशियल लिवरेज। तो बताओ ईबीआईटी और ईबीटी में डिपेंडेंट कौन है? क्या ईबीटी क्या ईबीआईटी में डिपेंडेंट है? तो ओरिजिनल वाला फॉर्मुला ड्राफ्ट करो, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, टेक्निकली परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अगर मान के चलो ये आपका आया 2, आया आंसर क्या है आपका? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज 2 आया। तो मुझे बताओ मैंने कुछ गलत बोला? बराबर बोला ना? हाँ, आपका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का आंसर कितना आया? 2 आया। मुझे इसका इंटरप्रिटेशन बताओ। अगर आपका ईबीआईटी 2 आया, अगर आपका ईबीआईटी 1% से चेंज होगा, तो क्या आपका ईबीटी 2% से चेंज होगा? एक बात पूछना चाहता हूं, फाइनेंशियल लिवरेज का रिलेशनशिप ईबीआईटी और ईबीटी का है कि ईबीआईटी और ईपीएस का है? मैं रिपीट कर रहा हूं, फाइनेंशियल लिवरेज का रिलेशनशिप सिर्फ ईबीआईटी और ईबीटी का रहेगा कि ईबीआईटी और ईपीएस का रहेगा? ध्यान रखना, अगर मान के, अगर आपसे मान के चलो ऐसा क्वेश्चन आया कि फाइनेंशियल लिवरेज हैज द रिलेशनशिप बिटवीन, फिर ऑप्शंस दिए हुए, वापस से रिपीट कर रहा हूं, फाइनेंशियल लिवरेज हैज द रिलेशनशिप बिटवीन, ऑप्शंस दिए हुए, ईबीआईटी विद ईबीटी, ईबीआईटी विद ईपीएस, सेल्स विद ईपीएस, सेल्स विद ईबीआईटी। तो आंसर क्या दोगे? ईबीआईटी विद ईपीएस। सर सर आपने तो कल ईबीआईटी विद ईबीटी सिखाया था कल, लेकिन मैंने बोला था ना कि प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड होता तो क्या रिलेशनशिप क्या ईबीआईटी और ईपीएस का बन जाता कि नहीं बन जाता? मुझे बताओ फास्ट, आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा ओके, एक और बात मुझे बताओ, सेल्स और ईपीएस के बीच में कौन सी फिक्स कॉस्ट आती है? दोनों फिक्स कॉस्ट आती है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट भी आती है, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट भी आती है। तो ये दोनों के बीच में जो लिवरेज क्रिएट होगा, कौन सा लिवरेज क्रिएट होगा? क्या कंबाइंड लिवरेज क्रिएट होगा कि नहीं होगा? तो बताओ डिग्री ऑफ कंबाइंड और सेल्स और ईपीएस में डिपेंडेंट कौन है? हाँ करेक्ट है, क्या ईपीएस डिपेंडेंट है? किस पे डिपेंडेंट है? सेल्स पे। तो फॉर्मुला बताओगे डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मुला क्या बन जाएगा? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अग्रीड ऑन दिस पार्ट? ओके, रिलेशनशिप को पकड़ना बहुत जरूरी है। एक बार वापस बोल दोगे, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का रिलेशनशिप सेल्स और ईबीआईटी का, फाइनेंशियल लिवरेज का रिलेशनशिप ईबीआईटी और ईबीटी, लेकिन ईबीआईटी और ईपीएस का भी तो हो सकता है, करेक्ट है? फिर आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग, अरे कंबाइंड लिवरेज का रिलेशनशिप सेल्स और ईपीएस का। अच्छा, लेकिन ये परसेंटेज चेंज कब कैलकुलेट कर पाएंगे? जब हमारे पास दो इनकम स्टेटमेंट है। लेकिन अगर हमारे पास दो इनकम स्टेटमेंट नहीं है तो ये परसेंटेज चेंज हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये सिचुएशन में क्या हमें शॉर्टकट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा? कल मैं दो तीन क्वेश्चन अप्लाई किया था, बताओ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, सॉरी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। इसको याद रखने का एक तरीका भी मैंने आपको बताया था, आप इस तरह से कुछ ड्रॉ कर सकते हो, कंट्रीब्यूशन क्या लिख सकते हो यहां पे आप, कंट्रीब्यूशन ये लिखेगा आप ईबीआईटी, एंड यहाँ पे लिखोगे आप ईबीटी। अब बताओ ना आप मुझे, क्या आपको नहीं लगता है, आपको नहीं लगता है कि कंट्री और ईबीआईटी के बीच में कौन सी फिक्स कॉस्ट आती है?
तो याद रखने का तरीका भी कितना इजी हो गया, कॉन्ट्री डिवाइड बाई ईबीआईटी। बताओ ईबीआईटी और ईबीटी के बीच में कौन से फिक्स कॉस्ट आती है क्या? तो याद रखने का तरीका भी कितना इजी हो गया, ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी, और ये दोनों के बीच में कौन से फिक्स कॉस्ट आती है, कंबाइन आती है, तो क्या नहीं दोनों फिक्स कॉस्ट आती है क्या, तो कॉन्ट्री डिवाइड बाई ईबीटी। क्या याद रखने में कोई दिक्कत होगी क्या आपको? तो ये भी बात होगी, ये भी बात होगी, कल कुछ हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, करेंट है। तो आज मैं एक दो कॉन्सेप्ट और समझा देता हूँ और उसके बाद इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे कोई दिक्कत है कि इसमें, जल्दी से बताओ फटाफट, कोई भी कन्फ्यूजन? राहुल यू आर राइट, अगर प्रेफरेंस नहीं होगा तो ईबीआईटी ईबीटी का होगा, अगर प्रेफरेंस होगा तो ईबीआईटी ईपीएस का होगा। चलिए मुझे आप एक चीज बताओ, इनकम स्टेटमेंट की बात करते, किसकी बात करते, इनकम स्टेटमेंट की, सेल्स प्री टैक्स आइटम है कि पोस्ट टैक्स? नहीं, अब मैंने बोला ये प्री टैक्स पोस्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, सारे बच्चे लाइक करेंगे भाई, लाइक करेंगे। मुझे बताओ सेल्स कौन सी आइटम है? नहीं, प्री टैक्स का मतलब टैक्स के पहले, मतलब मुझे बताओ ना, टैक्स के पहले, ये टैक्स के पहले जितनी भी आइटम आएगी क्या सब प्री टैक्स होगी क्या? Yes. और टैक्स के बाद जितनी भी आइटम आएगी क्या सब पोस्ट टैक्स होगी क्या? Yes. तो बताओ सेल्स कौन सी आइटम? वेरिएबल कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ईबीटी, टैक्स से पहले आता ना ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ, तो मुझे बताओ वापस एक बार, सेल्स कौन सी आइटम? वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्री, फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी, ईबीटी, ईबीटी, पैट, पैट, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, अभी है ना एक और अच्छी सी इंपॉर्टेंट सी बात बता रहा हूँ। मुझे आप एक चीज बताओ, हमारा ईबीटी आया हुआ है, बोलो ना, हाँ बोलो, हाँ कल हमारे दो पड़ोसी में झगड़ा हो गया, अब पूछो क्यों, झगड़ा क्यों करते हैं? नहीं, झगड़ा देखेंगे तो बालकनी में खड़ा था। और दूसरी चीज, विशेष टिप्पणी मेरी वाइफ ने की, तो मेरी वाइफ को बड़ा अच्छा लगता है ये, कहीं भी झगड़ा हुआ ना लड़की को बड़ा अच्छा लगता है ना, मतलब इन्वॉल्व होना, तो मतलब फिर अगल बगल वालों को बुलाएंगे, फिर पूछेंगे हुआ क्या था, और उस पर आधा एक घंटा चर्चा करेंगे, अटेंशन ही हो चर्चा करेंगे और क्या क्या बातें करते हैं, हाँ। और एक दिन गजब हो गया कि ये है ना, कार में मेरी वाइफ, मोदी की होने वाली वाइफ, अब्बड़ की वाइफ, सोमिल की होने वाली वाइफ, शारोजन, हाँ नहीं, पवन सर की वाइफ, बाप रे बाप, और उनकी बातें सुनो तो गजब। तो अभी मजे की बात ये थी कि झगड़ा हुआ, किस बात पे झगड़ा हुआ, दोनों पड़ोसी के पास कुत्ते हैं, डॉग्स है, करेक्ट है, एक के पास कुत्ता है, एक के पास कुत्ती है, तो उसका कुत्ता उसकी कुत्ती पे लाइन मार रहा होगा, भगवान जाने क्या कर रहा होगा, तो उन दोनों पड़ोसी पे झगड़ा हो गया। फोन करूँ अभी? अभी देखो थोड़ा नींद में है। अब मैंने पूछा कि एक के पास कुत्ता है, एक के पास कुत्ती है, तो दोनों झगड़ रहे हैं, तो किस बात पे झगड़ रहे होंगे बताओ? एक के पास कुत्ता है, एक के पास कुत्ती है, और इस बात गजब चर्चा चल रही थी बेटा। और मुझे लग रहा है कि ये बात तो है ना सोशल मीडिया पे भी जानी चाहिए। एनीवे, दिस इज वेरी गुड। ओके, मुझे एक बात बताओ, अभी चलो पढ़ना चालू करें। ईबीटी, ईबीटी, ईबीटी है 80,000, ईबीटी कितना है 80,000। अब ध्यान दो यहां पे, आपके मॉम डैड ने कभी झगड़ा किया आपको लेके, आपके किसी पड़ोसी के साथ आपको लेके झगड़ा किया, और पड़ोसी की लड़की, मतलब लड़का हो तो पड़ोसी की लड़की हो, ऐसा कभी झगड़ा हुआ है क्या? तू मार के आया था क्या? लग तो नहीं रहा तेरे, देखा मार के आया होगा तू, किया है क्या? अभी तो जो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ सर, मैम ने क्या सजेशन दिया फिर?
मैम तो क्या है कि मैम को तो ऐसी गॉसिप से कुछ फन लेना होता है, तो नहीं सोचो ना क्या किस वजह से झगड़ा हुआ होगा, समझ गए? ओके एनीवे क्या मैंने कोई गलत तो बोला नहीं भाई, करेक्ट है तो अपन भाई माफ करना अगर बोल दिया तो। ईबीटी, ईबीटी प्री टैक्स या पोस्ट टैक्स? प्री टैक्स या पोस्ट टैक्स? अच्छा मान लो कि 40% टैक्स पे करना है, किसको पे टैक्स पे करना है? 40% बताइए, 40% टैक्स किसको पे होगा? गवर्नमेंट को। अरे अभी कॉमन सेंस वाली बात करो, कॉमन सेंस वाली बात करो, क्या मैं ईबीटी को टैक्सेबल प्रॉफिट कह सकता हूँ? ईबीटी कौन सा प्रॉफिट कहूंगा? टैक्सेबल। टैक्स किस पे देंगे? अर्निंग बिफोर टैक्स पे, नहीं अर्निंग्स पे देते हैं क्या? सेल्स पे टैक्स देते हैं? नहीं, सेल्स में से सारे एक्सपेंस क्या करते हैं? माइनस करते हैं, तो उसके बाद जो बचता है उस पे क्या देते हैं? टैक्स देते हैं। उससे क्या देते हैं? टैक्स देते हैं। तो समझने की कोशिश करो, ईबीटी, ईबीटी को क्या मैं टैक्सेबल प्रॉफिट कह सकता हूँ? ईबीटी पे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, इसीलिए उसे टैक्सेबल प्रॉफिट कहते हैं। गवर्नमेंट को 40% टैक्स देना है, कितना देना है? 40%। तो अब जस्ट कॉमन सेंस अप्लाई करके मुझे बताना, इसका 40% का मतलब क्या होता है? 40 / 100, प्लीज रिस्पॉन्ड। तो मुझे बताओ इसका मतलब 100 रुपया कमाओगे तो क्या 40 रुपया गवर्नमेंट को टैक्स दोगे क्या? तो क्या कंपनी के पास क्या 60 बचेगा क्या? 100 कमाओगे तो कितना दे दोगे? 40, तो कितना बचेगा? 60। एक कॉमन सेंस वाली बात पूछू क्या? अगर 1 रुपया कमाओगे तो कितना दे दोगे? एक, मैंने कहा 100 रुपया कमाओगे तो आप 40 रुपया गवर्नमेंट को दे दोगे, करेक्ट है? तो और 60 रुपया कंपनी के पास बचेगा। तो मैंने आपको ये पूछा कि अगर 1 रुपया कमाओगे, कितना कमाओगे? 1 रुपया, तो क्या उसमें से 40 पैसा दे देंगे क्या? तो बचेगा कितना मुझे बताओ? तो क्या बचेगा? क्या 0.60 बचेगा कि नहीं बचेगा? जल्दी से मुझे बताओ फास्ट, क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? तो 1 रुपया कमाएं, 1 रुपये के रेफरेंस से ऑलवेज सोचना, 1 रुपया कमाएंगे तो 40% मतलब कितना हो गया? 40 पैसा हुआ कि नहीं हुआ? 40 पैसा गवर्नमेंट को दे देंगे तो कंपनी के पास कितना बचेगा? तो ये 1 रुपये पे हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या ये 1 रुपया हमारे लिए ईबीटी होगा? आवाज नहीं आ रही है। क्या 1 रुपया हमारे लिए ईबीटी होगा? क्या 1 में से कितना दे दिया? 40 दे दिया, तो बचेगा कितना? 60 बचेगा। तो अब आप मुझे बताओ, मतलब 60 किसके पास बचेगा? कंपनी के पास बचेगा। तो मुझे बताओ ये ईबीटी है, ईबीटी है अर्निंग बिफोर टैक्स, तो ये जो 60 बचेगा ये क्या रहेगा? क्या ये पैट रहेगा कि नहीं रहेगा? ये हमने गवर्नमेंट को क्या दे दिया? टैक्स दे दिया। इतना कमाया, इतना टैक्स दिया, तो इतना बचेगा। तो जो बचेगा वो क्या है? पैट है। जो बचेगा वो क्या है? पैट है। वापस बोल रहा हूं, इतना कमाया, इतना गवर्नमेंट को दे दिया, तो ये नहीं, इतना कमाया इस पे हमने टैक्स कैलकुलेट किया, तो ये क्या है? ईबीटी है। इतना बचेगा तो ये क्या है? पैट है। ये क्या है आपका? पैट है। तो अब मैं इसको लिखने का एक तरीका बता रहा हूं, आप मुझे जरा बताना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुझे पैट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है मुझे? पैट कैलकुलेट करना है। तो क्या मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं? क्या ऑनलाइन वाले बच्चे भी रिस्पॉन्ड करेंगे? ईबीटी इनटू ब्रैकेट 1 - t, जरा देखो एक बार, ईबीटी कितना है यहां पे? 1 रुपया है। कितना है? 1 रुपया है। 1 - t, टी का मतलब होता है टैक्स रेट, रेट का मतलब होता है परसेंटेज। तो मुझे बताओ टैक्स रेट कितना है? क्या 40% है कि नहीं, मुझे बताओ फटाफट। तो आप बताइए 1 रुपी में से मल्टीप्लाई करेंगे 0.60, तो मुझे बताओ कितना बचेगा? क्या 60 पैसा बचे? क्या 60 पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा? मुझे बताओ फास्ट, कितना बचेगा? 60 पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा? जल्दी से बताओ, बच्चों को समझ में नहीं आया। मुझे आप एक चीज बताओ, मुझे आप एक चीज बताइए, नहीं मुझे आप एक चीज बताइए, क्या ईबीटी कौन सी आइटम? आवाज नहीं आ रही है। ऑनलाइन वाले बच्चे रिस्पॉन्स करें, क्या 1 रुपया प्रीटैक्स आइटम है कि नहीं है? उसमें से कितना परसेंट देना है? 40%। तो 40% देना है। तो मैंने कहा ईबीटी में से 1 - t कर दो। क्या कर दो? 1 - t, 1 में से 40% दे दिया, तो बचेगा कितना? 60%। किसका 60% बचेगा? 1 रुपये का 60% बचेगा। तो क्या 60 पैसा जो बचेगा, क्या वो पैट हो जाएगा? तो मैं कह सकता हूं किसी भी प्री टैक्स आइटम को, रिपीट करो मेरे साथ साथ, किसी भी प्री टैक्स आइटम को अगर पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट करना है तो क्या क्या आपको 1 - t से क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो आपने 1 - t से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप मुझे बताओ क्या ये 1 lakh rupees प्री टैक्स है? क्या है आपका? प्री टैक्स। इसको पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट करके बताओ, तो मतलब हमें क्या फाइंड करना है? पैट फाइंड करना है। तो पैट क्या हो जाएगा? ईबीटी इंटू ब्रैकेट 1 - tax rate। तो मुझे बताओ ईबीटी कितना है? 1 lakh है। 1 - tax rate कितना हो जाएगा? 0.40। तो आप मुझे बताओगे मल्टीप्लाई बाय पॉइंट क्या हो जाएगा? 0.60। तो कितना आ जाएगा? क्या 60,000 रुपया? क्या आपका पैट आ जाएगा? क्या जल्दी से बताओ। तो मेरी एक बात बराबर से दिमाग में फिट कर लो, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, आपको यहां पे नहीं, आपको हर जगह काम में आएगा।
कोई एनी प्रीटेक्स आइटम, मैं क्या बोल रहा हूँ एनी, मेरे साथ साथ बोलोगे एनी प्रीटेक्स आइटम, कोई भी प्रीटेक्स आइटम को अगर आपको पोस्ट टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या आप सिंपली क्या 1-T से मल्टीप्लाई कर सकते हो? क्या ऑनलाइन वाले बच्चे भी रिस्पॉन्ड करके मुझे बताएंगे कि बात समझ में आई कि नहीं है? जल्दी से बताओगे क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 1-T से क्या कर दोगे आप उसे मल्टीप्लाई? अच्छा अब आप मुझे बताना, ये इक्वेशन से एक और इक्वेशन भी बन जाएगा, मुझे बताइए पैट इज इक्वल टू EBT into bracket 1-T, EBT into bracket 1-T, तो क्या 1-T अगर यहां पे आ जाए तो क्या बन जाएगा? जल्दी से बताओ, EBT is equal to PAT divided by 1-T, PAT divided by 1-T, मुझे बताओ कोई भी, हाँ नहीं नहीं पहले बताओ, सबसे पहले बताओ ये कौन सी आइटम? अरे भाई EBT कौन सी आइटम? प्री टैक्स। ये कौन सी आइटम? पैट कौन सी आइटम? पोस्ट टैक्स। तो क्या पोस्ट टैक्स को अगर प्री टैक्स में कन्वर्ट करना है तो क्या मैं डिवाइड बाय 1-T करूंगा कि नहीं करूंगा? अगर कोई भी पोस्ट टैक्स आइटम को प्री टैक्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? डिवाइड बाय 1-T। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, बताओ कोई भी प्री टैक्स आइटम को पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1-T, कोई भी पोस्ट टैक्स आइटम को प्री टैक्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? डिवाइड बाय 1-T। कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन? ओके, अब है ना कल वाले क्वेश्चन में एक दिक्कत थी, क्या दिक्कत थी जरा देख लेते हैं। हमने प्रेफरेंस डिविडेंड कंसीडर नहीं किया था, ये वाला एग्जांपल लिखो आप फटाफट, लिखोगे धनाधन लिखोगे, लिखना स्टार्ट करो, चलो पहले लिखना चालू करो फास्ट। लिखना स्टार्ट करो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्री माइनस फिक्स, शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे ना फटाफट, रफ वर्क करोगे और मुझे तीनों दिन लिवरेज कैलकुलेट करके बताओ, मुझे तीनों दिन लिवरेज कैलकुलेट करके बताओ। मुझे तीनों दिन लिवरेज कैलकुलेट करके बताओ फटाफट। भाई जितने भी बच्चे हैं ऑनलाइन वाले बच्चे, लाइक करोगे भाई, लाइक करोगे ठीक है ना, लाइक करोगे और एंड में कमेंट करके भी जाओगे। करेक्ट है रघुराम, एकदम करेक्ट है। करेक्ट है, ऑपरेटिंग लिवरेज कितना आएगा पता नहीं है, वो मुझे देखना पड़ेगा। मुझे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करके बताओ, ऐसे दिख रहा है ना। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे दो इनकम स्टेटमेंट है कि सिंगल इनकम स्टेटमेंट है? सिंगल है, तो आपको पता है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको? करेक्ट है, तो मतलब फॉर्मूला अप्लाई करके मुझे बताओ फास्ट। कितना आ रहा है बेटा? ओके okay. फॉर्मूला क्या अप्लाई किया आपने? कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। बताओ कॉन्ट्री कितना था दोस्तों? 40 लाख। कॉन्ट्री कितना है आपका? 40 लाख। ईबीआईटी कितना है आपका? 20 लाख। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2। दिस इज नथिंग बट 2:1। This is nothing but 2 divided by 1. तो ये आपका 2 हो जाएगा। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल, फॉर्मूला जरा बता दो मुझे एक बार। EBIT divided by EBT। तो EBIT कितना है दोस्तों? 20 lakhs। EBT कितना है दोस्तों? 15 lakhs। तो ये कितना हो जाएगा? 20 lakhs divided by 15 lakhs। कितना आएगा दोस्तों? 1.33। हाँ डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज नहीं, पहले फॉर्मूला कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। बताओ कॉन्ट्री कितना है? ईबीटी कितना है बताओ? कितना आएगा? 2.67 कर दूं क्या? चलेगा क्या? ओके 2.67 कर दूं चलेगा क्या? मुझे बताओ फास्ट। अगर मैं आपसे कहूं ये दोनों गलत है तो आपको कैसा लगेगा? अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोनों गलत है, तुम नलायक हो, तुम नलायक हो, तुम नलायक हो, तुम नलायक हो, अगर मैं आपसे कहूं कि तुम गलत हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? भाई यहां पे प्रेफरेंस दिया है, भाई यहां पे प्रेफरेंस दिया है, ये फॉर्मूला तब हम अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास प्रेफरेंस नहीं होता है।
मैंने इसलिए गलती करने दी, मुझे पता था गलती करोगे आप, इसलिए मैंने गलती करने दी ताकि आपको याद रहे, ताकि आपको याद रहे। एक सेकंड मुझे बताओ गलती कहां पे की समझ में आया क्या? ये सबका गलत है, ये सबका गलत है। गलत है क्यों? गलत है क्योंकि ये फॉर्मूला आप तभी अप्लाई कर सकते हो व्हेन देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड। हां, देन देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड, व्हेन देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड। लेकिन जब प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, अच्छा एक सेकंड, प्रेफरेंस डिविडेंड होने के और न होने से क्या ऑपरेटिंग लिवरेज पे कोई इंपैक्ट आएगी? ऑपरेटिंग लिवरेज हम किससे कैलकुलेट करते हैं? सेल्स और ईबीआईटी से। अगर आपका प्रेफरेंस डिविडेंड चाहे हो या ना हो, उससे ऑपरेटिंग लिवरेज पे तो कोई इंपैक्ट आने वाली नहीं है। लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड के होने के वजह से क्या आपके कंबाइंड और फाइनेंशियल दोनों लिवरेज पे क्या इंपैक्ट आएगी कि नहीं आएगी? आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। तो अभी सर क्या सीखना है? जब प्रेफरेंस डिविडेंड होगा तो हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? तो लिखो मेरे साथ सर, चलो पहले नहीं, अभी मुझे समझाना बेटा, अभी मुझे समझाना है, ठीक है ना? अभी मुझे समझाना है। जब प्रेफरेंस डिविडेंड होगा तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। ध्यान, एक मिनट ध्यान, प्लीज पे अटेंशन ना, अभी लिखना बंद, दो मिनट पे कंप्लीट हो जाएगा। मुझे बताओ जब प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होता है, ऑनलाइन वाले बच्चे भी रिस्पॉन्स करेंगे, तो क्या ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? आवाज नहीं आ रही है। ऑनलाइन वाले, जब प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होगा, मैंने क्या बोला? जब प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होगा तो क्या ये वाला फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? ओके, वंडरफुल। तो क्या मैं ये वाले फॉर्मूला को थोड़ा और इलाबोरेट करके लिखने की कोशिश करूं, तो क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं क्या? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, क्या मैं ये ईबीटी को क्या ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट लिख सकता हूं? सिर्फ हाँ या ना में आंसर करो। अच्छा, अब एक चीज मुझे बताओ, क्या प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो हमारे पास क्या एक ही फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट होगी? वो कौन सी रहेगी? इंटरेस्ट। वो कौन सी रहेगी? इंटरेस्ट। तो क्या हमने इंटरेस्ट माइनस कर दिया? क्या माइनस कर दिया हमने? इंटरेस्ट। लेकिन अगर मान, याद रखने का तरीका बता रहा हूं, करेक्ट है ये आपका मैथमेटिकली परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन नॉन मैथमेटिकल एकदम परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो मुझे आप एक चीज बताओ, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे? प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, करेक्ट है, तो मैं ईबीटी को ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट लिख सकता हूं। जब प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं था तो एक ही फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट थी, दैट वाज इंटरेस्ट, तो मैंने इंटरेस्ट माइनस कर दिया। क्या कर दिया? इंटरेस्ट माइनस। अगर मान के चलो प्रेफरेंस डिविडेंड है तो क्या मुझे ईबीआईटी में से क्या प्रेफरेंस डिविडेंड भी क्या माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मुझे बताओ फास्ट। ये याद रखने का तरीका है। क्या है ये याद रखने का तरीका? आई होप यू गेट माई पॉइंट वेरी क्लियर। वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होगा तो माइनस नहीं करेंगे, लेकिन अगर प्रेफरेंस डिविडेंड होगा तो क्या इंटरेस्ट के साथ साथ क्या प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन अभी भी ये इनकरेक्ट फॉर्मूला है, अभी भी ये इनकरेक्ट फॉर्मूला है। मुझे बताओ ईबीआईटी कौन सी आइटम? ईबीआईटी कौन सी आइटम? प्री टैक्स। इंटरेस्ट कौन सी आइटम? प्री टैक्स। लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड कौन सी आइटम? पोस्ट टैक्स। आपको नहीं लग रहा है सारी प्री टैक्स है एक प्रेफरेंस को छोड़ के? तो आपको नहीं लगता है ये पोस्ट टैक्स को प्री टैक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा? अगर हम पोस्ट टैक्स को प्री टैक्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो मैथमेटिकल मिसमैच हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अगर ऊपर न्यूमरेटर में अगर प्री टैक्स है तो डिनोमिनेटर में सारी आइटम क्या होनी चाहिए? प्री टैक्स होनी चाहिए। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है ये, क्या है आपकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। तो क्या आपको क्या पोस्ट टैक्स आइटम को क्या प्री टैक्स में कन्वर्ट करना आता है कि नहीं आता है? तो कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर दूंगा? क्या प्रेफरेंस डिविडेंड को क्या सिंपली डिवाइडेड बाय 1-t कर दूंगा क्या? तो ये डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा व्हेन देयर इज प्रेफरेंस डिविडेंड। जब प्रेफरेंस डिविडेंड है तो दिस बिकम्स द फॉर्मूला फॉर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। क्लियर हो गया क्या? मुझे बताओ फास्ट, कोई भी दिक्कत वाली बात है क्या यहां पे? पहले बताओ ये फॉर्मूला क्लियर, क्योंकि फॉर्मूला नहीं याद आएगा तो कुछ भी याद नहीं आने वाला है। कोई भी कंफ्यूजन? ओके, अब मुझे बताओ डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला जब प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला जब प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो बताओ कॉन्ट्री डिवाइडेड बाय ईबीटी। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कॉन्ट्री डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट? अच्छा, अगर मैंने क्या बोला अभी, मैंने अब तक बोला ही नहीं प्रेफरेंस डिविडेंड है, अब मैं बोल रहा हूं कि प्रेफरेंस डिविडेंड है तो क्या इंटरेस्ट के साथ साथ क्या प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस होगा कि नहीं होगा? लेकिन प्रॉब्लम क्या है? कॉन्ट्री कौन सी आइटम? प्री टैक्स। ईबीआईटी कौन सी आइटम? प्री टैक्स। इंटरेस्ट कौन सी आइटम? प्री टैक्स। लेकिन ये अकेला पोस्ट टैक्स है तो आपको नहीं लगता है इसको भी प्री टैक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा? और प्री टैक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या 1-t से क्या डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्या सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से मुझे बताओ, कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन? हाँ, तो अब मैंने आपको सारे फॉर्मूले, अच्छा एक सेकंड, क्या डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज के फॉर्मूला में कोई भी डिफरेंस आने वाला है प्रेफरेंस के होने से या न होने से? प्रेफरेंस के होने से या न होने से आप चेक करो ना, ईबीआईटी के बाद आता है ये, तो
ईबीआईटी के पहले तो कोई भी डिफरेंस आने वाला नहीं है, इसीलिए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज के फॉर्मुला में कोई भी डिफरेंस आएगा नहीं, चाहे प्रेफरेंस हो चाहे प्रेफरेंस ना हो. इज दैट क्लियर टू यू? इसमें कोई भी दिक्कत? अब मुझे आंसर कैलकुलेट करके बताओ फटाफट. अब मुझे क्वेश्चन आप भी आंसर कैलकुलेट करके बताओ फटाफट. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज तो वो 2 का 2 ही आएगा. टैक्स रेट ले लो आप, टैक्स रेट ले लो आप 40%, 40% टैक्स रेट ले लो. टैक्स रेट 40% अज्यूम कर लो, अज्यूम नहीं करना है, मैं कह रहा हूं टैक्स रेट कितना ले लोगे आप 40%. ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आया कि नहीं भाई? समझ में आया तो भाई एटलीस्ट बट लाइक करने में इतनी कंजूसी क्यों मेरे दोस्तों, लाइक करने में इतनी कंजूसी क्यों मेरे दोस्तों? कुछ बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है ना लाइक करने से भी, ऐसा होता है क्या आदिश? नहीं नहीं, ऑनलाइन वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ. तो कहाँ कर रहे हैं? कितना आया डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज? फॉर्मूला कब कौन सा अप्लाई करना ये इंपॉर्टेंट है. प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, जो प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होगा. डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड. तो मुझे बताओ कॉन्ट्री कितना है दोस्त, बताओ फटाफट बताओ कॉन्ट्री कितना है यहाँ? हाँ कॉन्ट्री की जगह क्या आएगा? ईबीआईटी आएगा. क्या आएगा आपका? ईबीआईटी. बताओ ईबीआईटी कितना है? ईबीआईटी कितना है? 20 लाख डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पे 1 - t करना है ना, तो माइनस क्या करेंगे? इंटरेस्ट कितना है दोस्त? 5 लाख 20 लाख माइनस 5 लाख. प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? 1 - 0.40 तो कितना आ जाएगा? 20 लाख. ये जरा बताओ कितना आ रहा है? ये 15 लाख हो जाएगा. 1 लाख डिवाइडेड बाय 0.60 करो, 1 लाख डिवाइडेड बाय 0.60 करो, एक बार फटाफट दे दे. 1 लाख, अरे 60,000 ही है ना? नहीं, तूने आंसर दिया था कि बराबर था क्या? डिवाइडेड बाय, लेकिन कुछ बच्चों को सॉल्व करके दिखाना पड़ता है ना, तो 16,000 नहीं, 1,66,667. इसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो कितना आ रहा है? 1,66,667. अब सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो 1. कितना आया था? 1. कितना आया था? ऑनलाइन वाले बच्चों को कोई आंसर ही नहीं दे रहा है. हाँ बेटा सागर, कुछ मिस्टेक हो सकती है बेटा उसमें. हाँ अभी जो मैंने से कहा उस पर ध्यान दे. 1.50 तो 1.50 कर सकते हैं ना उसको, 1.499 को अप्रॉक्सिमेटली क्या कर दो, 1.50 राउंड ऑफ कर सकते हो. डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, ओके. डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी में से क्या इंटरेस्ट भी माइनस करोगे, प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस करोगे, डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे? 1 - t. तो बताइए कॉन्ट्री कितना है दोस्तों? कॉन्ट्री जी या कॉन्ट्री कितना है? 40 लाख. क्या 40 लाख है? क्या ईबीआईटी बता? इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड, डिवाइडेड बाय 1 - 0.40. सिंप्लीफाई करके बता दो, अभी सिंप्लीफाई करके बताओ फटाफट, सिंप्लीफाई करके बताओ. धनाधन 3 आ रहा है क्या? 3. ओके, तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज कितना आ गया? 3 आ रहा है. अच्छा डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का एक और फॉर्मूला भी बताया था, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज. बताओ ऑपरेटिंग लिवरेज कितना आया था? 2. और ये कितना आया था? 1.5. क्या वेरीफाई हो गया क्या आपका कि डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज ये फॉर्मूला से भी वो सेम आंसर आ रहा है क्या? कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन? धनाधन बताओगे भाई? ओके, तो ये बात होगी, ये बात होगी, ये बात होगी. अच्छा इसके दिख, इसके नीचे एक और दो क्वेश्चन और दिए हुए, दोनों आ गए आपके आंसर, इसके भी आंसर आ गए, इसका भी आंसर आ गया. फिर आपका व्हाट वुड बी न्यू ईपीएस इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 10%. पहले रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना, सेल्स और ईपीएस का रिलेशनशिप कौन सा लिवरेज, क्या लिखा है आपको न्यू ईपीएस फाइंड करना है. आपके पास अभी जो क्वेश्चन में जो ईपीएस दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है.
कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, आपको क्या फाइंड करना है, न्यू ईपीएस फाइंड करना है. इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय हाउ मेनी परसेंट, 10%, तो आप न्यू ईपीएस कैसे फाइंड करोगे. तो पहले तो आप जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, तो पहले ये सोचो कि सेल्स और ईपीएस का जो रिलेशनशिप होगा वो कौन सा रिलेशनशिप होगा, क्या कंबाइंड रिलेशनशिप होगा कि नहीं होगा. मुझे फाइंड करके बताओ फटाफट, मुझे फाइंड करके बताओ फटाफट. तो न्यू ईपीएस अमाउंट फॉर्म में फाइंड करके बताओ ना. नहीं, पहले कंबाइंड लिवरेज कितना आया था, 3 आया था. अरे आपको देखो, आपके पास ओल्ड ईपीएस दिया हुआ है, ओल्ड ईपीएस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या 2 रुपीज दिया हुआ है क्या. ईपीएस ऑलवेज रुपीज में होता है. क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है कि हमारा न्यू ईपीएस कितना होगा, हमारा न्यू ईपीएस अगर सेल्स कितने से इंक्रीज हो रहा है, अगर हमारा सेल्स 10% से इंक्रीज हो रहा है, कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, 10% से. अगर सेल्स 10% से इंक्रीज होगा तो व्हाट शुड बी द न्यू ईपीएस, तो आप न्यू ईपीएस फाइंड करके बताओ. आपको सेल्स तक जाने की जरूरत ही नहीं है, तुम लोग लीवरेज से क्वेश्चन सॉल्व करोगे. लीवरेज आया था ना, कंबाइंड लीवरेज कितना आया था बताओ, लंबाई लीवरेज कितना आया था, 3. आप क्यों यार ऐसा कर रहे हो यार, बताओ कंबाइंड लीवरेज कितना आया था आपका. हाँ तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको. नहीं पहले एक यार, आप लोग क्या ऐसे कर रहे हो यार, एक सेकंड मुझे क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है आपसे. अगर नहीं आप ये क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है पहले आपसे, पहले क्वेश्चन को पकड़ो. अगर नहीं 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 तुम यार गलत ही, आपको न्यू ईपीएस फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है, न्यू ईपीएस. और न्यू ईपीएस कब फाइंड करना है, आपका 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 सेल्स कितने परसेंट से इंक्रीज होगा, 10%. आपका सेल्स 50 लाख था तो मुझे बताओ ईपीएस कितना था, क्या 2 रुपए का था कि नहीं था. तो अब सेल्स 10% से इंक्रीज होगा तो क्या पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाओगे क्या आप, और इनकम स्टेटमेंट बना के कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं आप पूरा इनकम स्टेटमेंट बना के फाइंड कर सकते हो, लेकिन क्या ऐसा ऐसा बुलिश वर्क करोगे क्या आप. सेल्स अगर आपका 10% से इंक्रीज होगा तो आपका न्यू ईपीएस कितना आना चाहिए, तो पूरा इनकम स्टेटमेंट बना के फाइंड तो कर ही सकते हैं. लेकिन अब हमें हमारे पास जब लीवरेज का नॉलेज है तो लीवरेज के नॉलेज को भी तो अप्लाई करना पड़ेगा ना. तो पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि सेल्स और ईपीएस का रिलेशनशिप कौन सा लीवरेज, और क्या डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज क्या हम क्वेश्चन में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं क्या, बताओ कितना कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या हम कंबाइंड लीवरेज 3 कैलकुलेट कर चुके हैं क्या, इसका इंटरप्रिटेशन बताओ. अगर सेल्स 1% से इंक्रीज होगा तो क्या हमारा ईपीएस क्या 3% से इंक्रीज होगा, तो बताओ. मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं यहां पे, सेल्स. मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, ईपीएस. अगर सेल्स 1% से इंक्रीज होगा तो ईपीएस कितने परसेंट से, 3%. क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो दी है, सेल्स कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, 10% से, तो मुझे बताओ हमारा ईपीएस कितने परसेंट से इंक्रीज होगा, क्या 30% से इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताइए. तो बताओ आपका न्यू ईपीएस क्या होगा, आपका न्यू ईपीएस क्या होगा, 30% ज्यादा. ओ घनचक करो, क्या आपका आपका ओल्ड ईपीएस, क्या ओल्ड ईपीएस 2 है कि नहीं है, तो इसमें क्या करोगे, 30% ऐड कर दो, क्या कर दो, 30% ऑफ 2 क्या कर दो, ऐड कर दो. तो मुझे बताओ 2 ये कितना आ जाएगा, 0.60, 60 पैसा आएगा ना ये, तो आपका न्यू ईपीएस कितना हो जाएगा, 2.60. ओ हेलो, समझ में आया कि नहीं आया आपको ये, मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस पर ध्यान देना आपको. अब आपका पूरा इनकम स्टेटमेंट बना के क्या कैलकुलेट करते थे क्या, कि आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे. अच्छा इसका एक और आसान सा तरीका, आपको ये बुलिश वर्क नहीं करना है, क्या 30% का फैक्टर अभी आपको कैलकुलेट करना आता है कि नहीं आता है, तो बताओ 30% का फैक्टर क्या होगा, 1.30. तो डायरेक्टली आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2.60. नहीं समझा अभी भी, तो अभी नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर तो मुझे फटाफट, व्हाट वुड बी दी न्यू ईपीएस इफ सेल्स डिक्रीजेस बाय 20%. आपका न्यू ईपीएस क्या होगा अगर हमारा सेल्स 20% से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या अभी भी समझाना पड़ेगा क्या, अभी करके बताओ आंसर लाओ फटाफट. जल्दी से फटाफट क्विक, कितना आ रहा है, 1. अब मुझे नहीं पता है, तुम लोगों को करना है भाई, है तुम लोगों को करना है. ऑनलाइन वाले बच्चे भी आंसर करेंगे फटाफट, रिस्पांस करेंगे ऑनलाइन वाले बच्चे भी रिस्पांस करेंगे फास्ट. मैं दिवाली के बाद आपका एमसीक्यूज पे चर्चा, हम लोग एवरीडे हाफ एन आवर मिलेंगे, कितना मिलेंगे, हाफ एन आवर, और जो टॉपिक हो चुके उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, हाफ एन आवर में जितने हुए उतने करेंगे, बाकी आप फिर उसको होमवर्क करोगे अपना. तो हम लोग उसको भी स्टार्ट करते हुए चलेंगे दिवाली के बाद.
तो कितना है मेरे पास आंसर है उसका, मेरे पास आंसर है उसका, मेरे पास आंसर है यार। तुम लोग अभी भी अगर आंसर नहीं दे पाते, 0.8 आ रहा है क्या, 0.8 आ रहा है क्या, चेक करो। ऑनलाइन वाले बच्चों में से किसी ने भी आंसर, एक दो बच्चे ने आंसर दिया, नेहा ने आंसर दिया, अनिता ने आंसर दिया, आदित्य ने आंसर दिया, बाकी किसी ने भी आंसर नहीं दिया, बाकी किसी ने भी आंसर नहीं दिया। यार ये क्यों नहीं समझ पाते हो मुझे बताओ, सेल्स कितने परसेंट से नहीं, पहले जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप पहले क्या रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करोगे क्या, तो बताओ सेल्स और ईपीएस का रिलेशनशिप, कंबाइन लिवरेज, क्या हम ऑलरेडी कंबाइन लिवरेज कैलकुलेट कर चुके हैं क्या, कितना कैलकुलेट कर चुके हैं, 3। तो अगर सेल, हाँ इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, अगर सेल्स 1% से डिक्रीज होगा तो क्या हमारा ईपीएस क्या 3% से डिक्रीज होगा, चेंज बाइडायरेक्शनल होता है। तो सेल्स कितने परसेंट से डिक्रीज हो रहा है, 20% से, तो बताओ ये कितने से परसेंट डिक्रीज होगा, क्या 60% से डिक्रीज होगा कि नहीं होगा। तो अब आप मुझे बताओगे हमारा ओल्ड ईपीएस कितना है, 2 है ना, तो उसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे क्या, 60% से क्या करना है, डिक्रीज करना है, तो 2 × 60% करेंगे, तो मुझे बताओ 2 − 1.20 तो क्या 0.80 आएगा कि नहीं आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, एकदम क्लियर हो गया क्या आपका, ओके। तो आई थिंक मुझे बताओ अब आपको लिवरेज के, वेन देर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड एंड वेन देर इज प्रेफरेंस डिविडेंड, क्या सारे फॉर्मुले का दिमाग में फिट हो गया क्या, इससे कोई भी दिक्कत, ओके। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट, ये आपके मुझे लगा प्रीवियस का एक क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। अच्छा मैंने कल एक ना थंब रूल बताया था, जब फाइनेंशियल लिवरेज दिया होगा और अमाउंट फॉर्म में इंटरेस्ट दिया होगा तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, क्या ईबीआईटी फाइंड कर सकते हैं क्या, तो करके बताओ फास्ट, ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 5, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज 4, इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट दिया है अमाउंट फॉर्म में, अमाउंट फॉर्म वाला क्या है, इंटरेस्ट है 300 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 75% ऑफ सेल्स। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट अगर 75% है तो मुझे बताओ पीवी रेशियो कितना होगा, क्या पीवी रेशियो कितना होगा, क्या 25% क्या कॉम्प्लीमेंट्री दोनों होता है कि नहीं होता है, तो पीवी रेशियो का एक और नाम क्या है, कंट्रीब्यूशन रेशियो, तो क्या 25% ऑफ सेल्स होगा कि नहीं होगा, टैक्स रेट कितना दिया है 45%, और आपको क्या फाइंड करना है, फिक्स कॉस्ट, क्या फाइंड करना है आपको, फिक्स कॉस्ट, लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, अरे भाई तुम लोग इतना सिंपल सा, अरे मेरे भाई 60% से डिक्रीज हो रहा है ना, श्रुति बेटा, श्रुति बेटा, अरे 60% से डिक्रीज हो रहा है ना, तो किस किस किसका 60% डिक्रीज होगा, 2 का ही 60% डिक्रीज होगा ना, नहीं नहीं 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया वो पूछ रहे हैं, दिक्कत हो जावे ना बेटा क्या करें, अरे 2 में से 2 का 60% माइनस करना पड़ेगा ना श्रुति बेटा, दिमाग खराब हो गया है क्या, दिवाली आ रही बेटा, हाँ ओके okay. अरे नलायक क्या करो ना, क्या मतलब क्या, फिक्स कॉस्ट फाइंड करनी है, गधो, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज दिया है, फाइनेंशियल लिवरेज दिया हुआ है, टैक्स रेट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट फाइंड करना है, फिक्स कॉस्ट फाइंड करना है, लगाओ दिमाग, पहले यहां तक का इनकम स्टेटमेंट रिकलेक्ट कर दो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्री माइनस फिक्स कॉस्ट, क्या इज इक्वल टू ईबीआईटी आता है कि नहीं आता है, ईबीआईटी में से क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट, इसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं, प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं, तो आपको इसमें से क्या फाइंड करना है, ये वाला पार्ट फाइंड करना है, क्या वाला फाइंड करना है, अगर आपके पास कंट्री आ जाए और ईबीआईटी आ जाए तो क्या फिक्स कॉस्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सोचने का तरीका ये होता है, सोचने का तरीका ये होता है, अगर आपके पास कंट्री आ जाए और आपके पास क्या आ जाए, EBIT आ जाए, तो यू ऑल सेट, यू आर ऑल सेट, यू आर ऑल सेट, यू आर ऑल सेट, तो आपकी डायरेक्शन को इस तरह से लेके जाओ, आपकी डायरेक्शन को इस तरह से लेके जाओ, आया क्या, 400 लाख कैसे किया बताओ, पहले क्या डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज से, मैंने कल ही बताया था कि अगर आपके पास डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज दिया हुआ है और अमाउंट फॉर्म में इंटरेस्ट दिया हुआ है तो क्या इससे हमारा ईबीआईटी आएगा कि नहीं आएगा, तो इससे हमारा ईबीआईटी कितना आया था, हमारा ईबीआईटी आया था 400 लाख, अभी इसका कैलकुलेशन आप देख लोगे, इससे हमारा ईबीआईटी कितना आया था 400 लाख, एक बार आपका ईबीआईटी आ गया, क्या आ गया आपका ईबीआईटी आ गया, तो मुझे अब आप एक कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है,
ऑपरेटिंग लीवरेज दिया, कौन सा दिया हमारे पास, ऑपरेटिंग दिया हुआ है, हाँ ऑपरेटिंग दिया हुआ है, तो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। बताओ क्या क्या हमें पता है, हमें ईबीआईटी पता है, हमें ऑपरेटिंग लीवरेज पता है, तो क्या हम कंट्रीब्यूशन फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो बताओ ऑपरेटिंग लीवरेज कितना हो जाएगा आपका, ऑपरेटिंग लीवरेज कितना है, 5 है, तो कंट्री डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, ईबीआईटी कितना है, 400 लाख है, कितना है 400 लाख, तो बताइए कंट्री कितना आ जाएगा, क्या कंट्री क्या 2000 लाख आएगा कि नहीं आएगा। मैंने अभी आपको इनकम स्टेटमेंट बताया, क्या अगर आपके पास कंट्री आ गया, आपके पास ईबीआईटी आ गया, तो क्या फिक्स कॉस्ट आएगा कि नहीं आएगा, मुझे बताओ फास्ट, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? तो कैसे आएगा ये, तो लिखोगे सिंस कंट्री माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, ईबीआईटी। तो क्या ये फिक्स कॉस्ट यहां पे आ जाएगा, ईबीआईटी यहां पे आ जाएगा, तो फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी, कंट्री प्लस ईबीआईटी, कंट्री प्लस ईबीआईटी। तो बताओ कंट्री कितना है, क्या कंट्री 200 लाख है क्या, प्लस ईबीआईटी कितना है मुझे बताओ फर्स्ट, क्या वो हम फाइंड कर चुके थे क्या 400 लाख, करेक्ट है ना ये, तो बताओ कितना आ गया, कंट्री 2000 आया था क्या आपका, तो फिक्स कॉस्ट कितनी आई, अच्छा ये माइनस करना है ना, ये माइनस करना है, हाँ ये क्या करना है आपको, माइनस करना है, ये क्या करना है, माइनस करना है, ये माइनस करना है, क्या करना है, ये माइनस करना है, तो ये कंट्री कितना आएगा, 2000 लाख माइनस 400 लाख, तो ये कितना हो जाएगा आपका 600 लाख, तो क्या फिक्स कॉस्ट हमारा क्या 600 लाख हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए फास्ट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है, अंडरस्टूड, समझ में आया कि नहीं आया, हाँ गलत है ना ये, मैंने गलत किया था, ये यहाँ पे माइनस होना चाहिए ना, ये ईबीआईटी यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना दोस्तों, ये माइनस हो जाएगा, 600 लाख आना चाहिए। ओके ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, जो भी सॉल्व करके बताएगा उसको मैं कुछ दूंगा, ईबीआईटी 40 लाख, ईबीआईटी 40 लाख, जो भी सॉल्व करके बताएगा कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, EBIT 40 lakhs, sales कितना है 200 lakhs, operating leverage कितना है, operating leverage कितना है 5, by what percentage sales should fall to wipe out EBIT, कितना percentage sales decrease होना चाहिए जिससे EBIT क्या हो जाए, wipe out का मतलब क्या, खत्म, खत्म का मतलब क्या, zero, sales कितने percentage से fall होना चाहिए जिससे EBIT क्या हो जाए, zero हो जाए, EBIT क्या हो जाए, zero हो जाए, पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कहता है, और पहले फिर रिलेशनशिप को पकड़ो, सेल्स और ईबीआईटी का जो रिलेशनशिप है वो कौन सा लिवरेज आता है, जब तक आप रिलेशनशिप को नहीं पकड़ोगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, रिलेशनशिप इज रियली इंपॉर्टेंट, आपको पहले रिलेशनशिप को पकड़ना बहुत जरूरी है, तो पहले पकड़ो उसको। EBIT कितना दिया है 40 लाख, सेल्स कितना दिया है 200 लाख, आपका ऑपरेटिंग लीवरेज कितना दिया है 5, इंटरप्रिटेशन बताओ, अगर सेल्स 1% से चेंज हुआ तो क्या EBIT 5% से चेंज होगा क्या, तो मुझे बताओ सेल्स कितने परसेंट से चेंज हुआ, 1% से, तो EBIT कितने परसेंट से चेंज होगा, 5% से, नहीं हमें क्या करना है, क्या EBIT को वाइप आउट करना है क्या, तो अब एक सेकंड मुझे बताओगे EBIT कितना है 40 लाख, इसको वाइप आउट करने का मतलब क्या, खत्म ही कर दो, खत्म कर दो मतलब क्या कर दो, जीरो कर दो, तो क्या 40 लाख से अगर उसको जीरो करना है तो ईबीआईटी कितने परसेंट डिक्रीज होगा, 100% ना। आपके पास पॉकेट में 40 लाख रुपया है, आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया और पूरा जीरो हो गया, तो मुझे बताओ कितना पैसा खत्म हो गया, क्या 100% पैसा खत्म हो गया, क्या 100% पैसा खत्म हो गया, तो आपका 40 लाख से अगर ईबीआईटी जीरो जा रहा है तो आपका ईबीआईटी कितने परसेंटेज से डिक्रीज हो रहा है, क्या 100% डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। अब क्वेश्चन को पकड़ लो, बाय वॉट परसेंटेज सेल्स शुड फॉल, आपका सेल्स कितने परसेंटेज से क्या होना चाहिए, फॉल होना चाहिए जिससे ईबीआईटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वाइप आउट हो जाए मतलब क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का इंटरप्रिटेशन क्या है, इंटरप्रिटेशन ये है कि ईबीआईटी एंड दिस इज सेल्स, अगर हमारा सेल्स 1% से डिक्रीज होगा तो क्या हमारा ईबीआईटी 5% से डिक्रीज होगा, तो यहां पे ईबीआईटी कितने परसेंट से डिक्रीज हो रहा है, 100% से, तो हमारा सेल्स कितने परसेंट से डिक्रीज होना चाहिए, कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो क्या 20% आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और चेक करो क्या 20% आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक करो, तो हमारा सेल्स कितने परसेंटेज से फॉल होना चाहिए, क्या 20% से फॉल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कोई भी दिक्कत, वंडरफुल।
मैंने आप तो क्या सॉल्यूशन देख के भी आंसर दे सकते हो ना दोस्तों, सॉल्यूशन तो यहाँ पे था ही, तो फिर तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं बेटा, उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। अच्छा अब एक कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करना है मुझे, आ जाइए फटाफट। पहले मुझे बताओ, अच्छा एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लो ताकि आपका कॉन्फिडेंस आ जाए, खत्म लास्ट क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर टू, सॉल्व करके बताओ इसमें से, क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करके बताओ। अगर गलत किया ना तो डंडे डंडे से मारूंगा, ध्यान रखना डंडे से पीटेंगे आपको, ये लो क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने, धनाधन धनाधन रिस्पॉन्स आना चाहिए, धनाधन रिस्पॉन्स आना चाहिए। कल ये टॉपिक खत्म है, कल ये टॉपिक वाइंड अप कर दूंगा। हाँ अभी आज तो मुझे लगा थोड़ा कुछ बच जाएगा, फिर क्यों थियोरेटिकल पार्ट क्यों छोड़ देना, थियरी पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। कल हमने चार दिन का हिसाब लगाया था ना जिया, आज बोला था क्या? नहीं कल तो मैंने चार दिन बोला था ना मेरे हिसाब से। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ओएफसी क्या है? तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ओएफसी का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। चलो भाई ऑनलाइन वाले बच्चे ठंडे हैं यार, ठंडे हैं यार ना। हाँ ऑनलाइन वाले बच्चों को डंडे से कैसे मारोगे? इलाज है हमारे यहाँ, बैठा है बंदा इलाज निकाल लेगा। और ये क्वेश्चन किससे पूछा है बताए क्या? भालू ने ऑनलाइन वाले बच्चे बड़े ठंडे यार। मुझे बता मिथी का बेटा, हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए था कि हमें आंसर दे दो फटाफट। अच्छा अब आपको तीनों लिवरेज निकालने हैं तो आपके पास कौन से वेरिएबल्स होने चाहिए? एक तो कॉन्ट्री होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? ईबीआईटी होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए? ईबीटी होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना प्रेफरेंस डिविडेंड है, ध्यान रखना प्रेफरेंस डिविडेंड है। और जब प्रेफरेंस डिविडेंड होगा तो कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे? आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हरी प्रिया याद आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? हाँ तो मुझे बताओ कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हो चलोगे? क्वेश्चन तो ये रहा बेटा, क्वेश्चन टू। क्वेश्चन ये रहा, वैल्यूज कहां से लाया मतलब? एक जी बेटा मुझे दे दो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला बता दो। कॉन्ट्री डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, क्या क्वेश्चन में कॉन्ट्री दिया हुआ है? तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? पीवी रेशियो दिया हुआ है क्या? टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल्स। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल्स। तो अब आप मुझे बताओ आपका पीवी रेशियो कितना दिया हुआ है? 30% बाई डिफॉल्ट किसका होता है? ये सेल्स का ही होता है। तो हमारा पीवी रेशियो का एक और नाम क्या है? कंट्रीब्यूशन रेशियो। एक और नाम क्या है? कंट्रीब्यूशन रेशियो। तो क्या हम सबसे पहले कंट्रीब्यूशन के अमाउंट हमें फाइंड कर सकते हैं क्या? तो कंट्रीब्यूशन कैसे फाइंड करोगे? सेल्स कितना दिया है? 2000 सीआर दिया हुआ है क्या? और ये कितना दिया हुआ है? कितना दिया ये? 30% दिया हुआ है। अगर आप सेल्स को कंट्रीब्यूशन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आपको 600 सीआर क्या कंट्रीब्यूशन के अमाउंट फॉर्म में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जल्दी से बताओ। ऑनलाइन वाले बच्चे भी रिस्पांस करेंगे भाई, रिस्पांस करना जरूरी है। तो मुझे आप एक चीज बताइए, 600 करोड़ कितना हो गया आपका कंट्री? 600 करोड़। क्या क्वेश्चन में ईबीआईटी दिया है कि नहीं दिया, जरा चेक करो। क्वेश्चन में ईबीआईटी दिया है कि नहीं दिया है? क्वेश्चन में ईबीआईटी नहीं दिया है, लेकिन फाइंड तो कर सकते ना, नहीं दिया है तो कौन सी बड़ी बात है? इनकम स्टेटमेंट आता है आपको, कंट्री में से क्या माइनस करोगे? फिक्स कॉस्ट। तो क्या ईबीआईटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चेक करो क्या अभी हम क्या कंट्री फाइंड कर चुके हैं क्या? कंट्री कितना फाइंड कर चुके हैं दोस्तों? हम 600 करोड़ फाइंड कर चुके हैं। क्वेश्चन में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट रेडीमेड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 120 सीआर दिया हुआ है, 120 सीआर। तो ये कितना हो जाएगा? क्या 480 सीआर होगा कि नहीं होगा आपका? चेक करो। तो 480 सीआर से आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे। सीआर सीआर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे बताओ कितना आ रहा है आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज? क्या ऑनलाइन वाले बच्चे क्यों नहीं कर पा रहे यार, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। क्या 1.25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरा चेक करो। डिग्री ऑपरेटिंग लिवरेज कितना आ जाएगा? 1.25। अच्छा डिग्री ऑफ
फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, तो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या आप, अच्छा ध्यान रखना प्रेफरेंस डिविडेंड है, जो प्रेफरेंस डिविडेंड होगा तो फॉर्मूला क्या आएगा, EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 1 माइनस टैक्स रेट। क्या क्वेश्चन में टैक्स रेट भी दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 40%। तो क्या आप फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यूज इंटीग्रेट करके आप मुझे आंसर दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? जल्दी से बताओ फटाफट। तो बताओ कितना EBIT, कितना हमने फाइंड किया था ऊपर, EBIT कितना फाइंड किया था, 480 CR, कितना फाइंड किया था, 480 CR डिवाइडेड बाय 480। क्या क्वेश्चन में इंटरेस्ट, आदिश बेटा रेडीमेड दिया है क्या, फटाफट बता कितना दिया हुआ है, 40 CR। प्रेफरेंस डिविडेंड दिया हुआ है क्या, 10 CR, और 1 माइनस टैक्स रेट, 1 माइनस 0.40, कर लो सिंप्लीफाई करके बता दो। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज 1.13। रुचिता ने बताया, फिर कविता का आंसर आया हुआ है, बस तीन चार बच्चे ही आंसर कर रहे हैं ऑनलाइन में, तो सिर्फ तीन चार बच्चे ही आंसर कर रहे हैं। 1.13 बराबर है क्या, 1.13। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज कैलकुलेट करके बताओ, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉन्ट्री डिवाइडेड बाय EBIT। नहीं क्या होगा कि क्या करो, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉर्मूला भी याद रहे, फिर वापस उससे भी करके बता दूंगा, क्योंकि फॉर्मूला याद रखना भी तो ऑब्जेक्टिव है, तो भूल जाएंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, तो आप मुझे बताओगे कॉन्ट्री कितना है, पहले कॉन्ट्री बता, पहले 600 डिवाइडेड बाय EBIT 480 है क्या, EBIT कितना है आपका, 480 CR। इंटरेस्ट बताओ 40। प्रेफरेंस डिविडेंड 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.40। ओके, तो उसको सिंप्लीफाई करके बताओ, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज 1.41। लेकिन डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज फाइंड करने का एक और फॉर्मूला क्या है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कितना आया था बताओ फटाफट, 1.25 इंटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज 1.13। अप्रॉक्सीमेटली वही आंसर आ रहा है क्या, चेक कर लो क्या 1.41 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लो। अरे भाई तुम लोग अगर रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से बताओ। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओगे तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट भाई लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे। परफेक्ट, ये हो गया, ये हो गया। अब एक मिनट, धन मेरी बातों पर ध्यान देना। चलो हो गया क्या दोस्तों, मुझे बताओ फटाफट। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से बताओ कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया, एकदम टकाटक। ये रिवीजन लेक्चर्स क्या मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूँ कि एग्जॉस्टिवली पढ़ा रहा हूँ? तो एग्जॉस्टिवली पढ़ रहे हैं, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने पहले पढ़ के रखा होगा तो फॉर श्योर अभी तो फेल होने की कोई गुंजाइश बची नहीं है, करेक्ट है? मतलब आपका ये जो चलेगा 30 नवंबर तक जो मैं कंप्लीट करूंगा उसमें आपका 100% पोर्शन कवर कर दूंगा, तो उस 100% पोर्शन कवर होगा। तो और दूसरा, मैं अभी MCQs के डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो एवरीडे हाफ एन आवर दिवाली के बाद तो जो जो टॉपिक हो चुके हैं उसके और उसमें मेजोरिटी थियोरेटिकल MCQs ले लूंगा, ताकि आपका उस पर भी कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों आई थिंक इतना करने के बाद फेल होने की तो कोई उम्मीद हो ही नहीं सकती है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने फर्स्ट टाइम भी पढ़ा होगा ना वो भी एटलीस्ट 50-60 मार्क्स तो लेके आएंगे, लेकिन पहले पढ़ा होगा तो कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है। तो और इससे क्या हो जाएगा कि आपकी घर की जो सेल्फ स्टडीज है ना वो कम से कम हो जाएगी, करनी तो पड़ेगी। आप ऐसा बोलोगे ना, आप ऐसा बोलोगे कि नहीं करेंगे तो चलेगा कि तो एकदम गलत हो जाएगा, लेकिन मैंने क्या बोला कि कम से कम सेल्फ स्टडीज से आप मैक्सिमम आउटपुट ला सकते हो। और सबसे ज्यादा एडवांटेज किसको मिलेगा, जो दोनों मॉड्यूल कर रहे हैं, तो जो दोनों मॉड्यूल करने वाले बच्चे हैं उनको सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलेगा कि कहीं ना कहीं पे आपका एक, आप खुद रिवाइज करोगे तो भी टाइम जाने वाला था आपका, और आपने यहां बैठ के रिवाइज कर लिया। और अभी इतना ध्यान रखना कि अभी जब भी आपको रिवीजन करने का मन करे तो रिवीजन लेक्चर्स नहीं देखने, कुछ भी नहीं देखना है आपको, जो भी देखना है वो आपको जो भी करना है सिर्फ MCQs सॉल्व करते हुए चलना है। सर MCQs कौन से सॉल्व करेंगे? अभी जो मैंने यहां पे आपको क्लास नोट्स देके रखी उसके MCQs प्लस टेक्स्टमैन के MCQs, टेक्स्टमैन में और मेरी क्लास नोट्स में भर भर के थ्योरी MCQs देके रखे हैं, भर भर के थ्योरी MCQs देके रखे हैं। आपको थ्योरी कहीं से भी एडिशनल रीड करने की जरूरत नहीं है, ब्रेन मैपिंग को रीड करोगे, क्लास नोट्स जो देके रखा है उसको रीड करोगे, विच इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, चलिए एक मुझे एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट सिखाना है, आर यू रेडी? तैयार हो गया? पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ मेरी बातों को सुनोगे और उसके बाद आप रिस्पॉन्स करोगे, ठीक है? पहले मुझे बताओ, दो टाइप के रिस्क होते हैं, नंबर वन बिजनेस रिस्क, उसको ऑपरेटिंग रिस्क भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरा कौन सा आता है आपका, फाइनेंशियल रिस्क। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क, नंबर वन ऑपरेटिंग रिस्क मतलब बिजनेस रिस्क, दूसरा आपका फाइनेंशियल रिस्क। अच्छा, बिजनेस रिस्क कहां से लेके कहां तक,
या सेल्स से लेके ईबीआईटी तक, ऑनलाइन वाले बच्चे भी रिस्पॉन्स करेंगे, सेल्स से लेके ईबीआईटी तक क्या आपका बिजनेस रिस्क हो जाएगा क्या? और बताओ ईबीआईटी के बाद जो रिस्क क्रिएट होता है इंटरेस्ट कब आता है? ईबीआईटी के बाद क्या इंटरेस्ट ईबीआईटी के बाद आता है? तो सर इंटरेस्ट क्या रिस्क होता है क्या? फॉर श्योर रिस्क होता है। मुझे आप एक चीज बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, डेट अच्छा या डेट बुरा? मैंने आपसे, मुझे ऑनलाइन वाले बच्चों को तो आंसर लेने, तो मुझे तो डेट अच्छा या डेट बुरा? मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, डेट अच्छा या अपने अभी अभी ये है ना, अभी मुझे लग रहा है कि हमारे एफएम के करिकुलम में ये डिस्कशन लास्ट टाइम होगा, उसके बाद आप एग्जीक्यूटिव क्लियर करोगे, प्रोफेशनल क्लियर करोगे, ये चीजों को याद रखना। नहीं मैंने कहा मना किया, भूख मत खाओ। तो ये जो अभी मैं थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं ना, ये यही थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि डेट अच्छा या डेट बुरा। इसका रिलेवेंस कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी आएगा, इसका रिलेवेंस आपका कैपिटल स्ट्रक्चर में भी आएगा, इसका रिलेवेंस आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी आएगा, इवन दो कैपिटल बजटिंग में भी आएगा। मुझे बताओ, मैं मुंबई पुणे हाईवे पे जा रहा हूँ, करेक्ट है? अब आजकल पता है मेरी कार पे है ना 5000 की ये है ट्रैफिक वायोलेशन की टिकट लगी हुई है। तो मतलब कल यहाँ पे मैंने गलती से वो रेड लाइट मतलब हो गई थी और मैंने टर्न ले लिया, तो पुलिस वाले ने पकड़ा, तो तुरंत ही उसे देख के बताया कि आपकी कार पे 5000 रुपया है। तो बताओ अगर मुंबई पुणे हाईवे पे जा रहा हूँ, मैं जनरली चलाता हूँ 120, 130, 140 पे, तो मुझे बताओ मुझे कार ये देखो ना कैसे देख रहा है, हाँ तो मुझे तो मुझे कार की स्पीड ज़्यादा रखनी चाहिए, कार की स्पीड कम रखनी चाहिए? टेक्निकली तो एज पर लॉ आपको जितनी स्पीड मेंशन की उतना ही चलना चाहिए, करेक्ट है? लेकिन मुझे मान के चलो 100 की स्पीड मेंशन की है, लेकिन फिर मैं 120 पे जाना चाहता हूँ, 140 पे जाना चाहता हूँ, तो जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ? जा सकते नहीं जा सकता हूं, प्रोवाइडेड अगर मुझे रोड कंडीशन पता है। क्या पता है मुझे? रोड कंडीशन। अगर मुझे रोड कंडीशन पता है तो बिंदास जाओ ना, लेकिन मुझे पता है कि मेरी रोड कंडीशन बहुत बेकार रहने वाली है और फिर भी मैं अगर 140 पे चलाता हूं तो फिर तो समझो कि मैं मरने की बात कर रहा हूं। किसी बात कर रहा हूं? मरने की बात कर रहा हूं। तो बस डेट में भी यही पोजीशन है। मुझे बताओ डेट का इंटरेस्ट क्या, डेट का इंटरेस्ट प्रॉफिट डिपेंडेंट है कि चाहे प्रॉफिट हो या चाहे प्रॉफिट ना हो, लेकिन डेट का इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो आपको डेट उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? अगर आपको लग रहा है, डिपेंड्स तो अभी तो आपके पास आंसर है, अगर आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में मेरा सेल्स बहुत अच्छा रहेगा, मुझे बताओ अगर आने वाले टाइम में सेल्स बहुत अच्छा रहेगा तो क्या आपका ईबीआईटी बहुत अच्छा रहेगा? क्योंकि ईबीआईटी किस पे डिपेंडेंट है? सेल्स पे। अगर मान के चलो इतना सेल्स हुआ, आपका इतना सा ईबीआईटी आया और इसमें से इतना सा इंटरेस्ट देना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट फिक्स कॉस्ट है। इंटरेस्ट क्या है आपकी? फिक्स कॉस्ट, फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट है। चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, चाहे आपका ईबीआईटी आए ना आए, चाहे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट हो या ना हो, आपको तो इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, मतलब करना है। तो डेट अच्छा या बुरा, तो वो तो डिपेंड करता है कि अगर हमारा सेल्स अच्छा तो हमारा ईबीआईटी इतना अच्छा आएगा, अगर हमारा ईबीआईटी इतना आएगा और उसमें से इतना सा इंटरेस्ट देना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हम कहेंगे डेट अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि कोविड आ गया अचानक से। किसको पता था कि कोविड आने वाला है? और मार्च 2020 में जो सिचुएशंस क्रिएट हुई थी, लॉकडाउन हो गया था, सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, इंडस्ट्री सब बंद हो गया था, तो मुझे बताओ प्रोडक्शन बंद तो सेल्स नहीं होगा, सेल्स नहीं होगा तो आपका ईबीआईटी नहीं आएगा। मान के चलो ईबीआईटी इतना सा आया और इसमें से इतना सा इंटरेस्ट देना है, तो क्या मरने वाली बात होगी कि नहीं होगी? आई होप आप प्रैक्टिकली बातों को कनेक्ट कर पा रहे हो। तो क्या जब थियोरेटिकली एक बार मैंने एक बात कर दी आपके साथ कि सेल्स अच्छा या बुरा, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? अगर नहीं सॉरी डेट अच्छा या बुरा, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? सेल्स अच्छा तो डेट अच्छा, सेल्स बेकार तो डेट पथेटिक। बेकार भी नहीं, क्या होगा? पथेटिक। आपको मरवा देगा, आपका बिजनेस वाइंड अप कर देगा, आपको खत्म कर देगा। तो आई होप आपकी मेरी बात समझ में आ रही है। मुझे बताओ बिजनेस रिस्क मतलब सेल्स से लेके ईबीआईटी के बीच में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो ये कौन सा रिस्क हो जाएगा? ऑपरेटिंग रिस्क भी कह सकते हैं, या तो उसे क्या कह सकते हैं? बिजनेस रिस्क भी कह सकते हैं। लेकिन ईबीआईटी के बाद आपका इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड जो है, ये कौन सा रिस्क क्रिएट करता है? आंसर नहीं आ रहा है आपका। मुझे बताओ आपका ईबीआईटी के बाद जो इंटरेस्ट है, क्या ये भी एक रिस्क क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्योंकि आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा और इंटरेस्ट कोई आपके प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है ही नहीं, तो इंटरेस्ट के वजह से रिस्क तो क्रिएट हो रहा है।
मैं अगर हाई स्पीड पे कार चला रहा हूं तो रिस्क तो है, प्रोवाइडेड आई नो द रोड कंडीशन, आई एम अवेयर ऑफ दिस की रोड कंडीशन आर रियली ग्रेट, देन नो प्रॉब्लम. बट आई न्यू इट कि रोड कंडीशन वॉज पथेटिक एंड फिर भी मैंने उसमें हाई स्पीड पे कार चलाई तो मरने वाली बात होने वाली है. मुझे पता है कि आने वाले टाइम में मेरा सेल्स अच्छा होने वाला नहीं है, फिर भी मैंने डेट उठा लिया. एक सेकंड, डेट उठाया. डेट के आने से कौन सी फिक्स कॉस्ट? इंटरेस्ट की फिक्स कॉस्ट. डेट के आने से कौन सा लिवरेज? आवाज नहीं आई. अब हमारा, हमें पता है कि आने वाले टाइम में सेल्स बेकार रहने वाला है तो हमारा EBIT भी बेकार रहेगा, तो ये फाइनेंशियल लिवरेज फेवरेबल होगा कि अनफेवरेबल हो जाएगा? पथेटिक होगा. क्या होगा? ये अनफेवरेबल हो जाएगा. क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप यू गेट माय पॉइंट वेरी क्लियर. इसी बात को मैं ना इस एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं. इससे बहुत सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं. थियोरेटिकल क्वेश्चन सिर्फ थियोरी पढ़ाने से नहीं होते हैं, प्रैक्टिकल के थ्रू कनेक्ट करवाने पड़ते हैं, तब जाके थियोरेटिकल क्वेश्चन समझ में आते हैं. तो मुझे बताओ, नेट सेल्स दिया हुआ है 15 CR, कितना दिया हुआ है 15 CR? क्वेश्चन को ध्यान से रीड करोगे, आपका EBIT कितना होना चाहिए आपको लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपके क्लास नोट्स में क्वेश्चन देकर रखा हुआ है. आपका EBIT दिया हुआ है 12% ऑफ नेट सेल्स. कितना दिया हुआ है? 12% ऑफ नेट सेल्स. तो मुझे बताओ 15 करोड़ का 12% कितना हो जाएगा? 1.80 CR. EBIT किसकी किसकी इनकम? EBIT किसकी इनकम है? आवाज नहीं आ रही है. डेट इक्विटी, डेट प्रेफरेंस एंड इक्विटी, क्या तीनों की इनकम है क्या? तो ये EBIT जो 1.80 CR है, क्या इसमें से डेट वालों को भी देना है? ठीक है, गवर्नमेंट को भी मैं एक्सक्लूड करता हूँ, जनरली गवर्नमेंट वर्ड यूज करते नहीं हम लोग. क्या डेट वालों को भी देना है? क्या प्रेफरेंस वालों को भी देना है? क्या इक्विटी वालों को भी देना है? इक्विटी शेयर कैपिटल क्वेश्चन में देकर रखा है 5 CR. कितना देकर रखा है? 5 CR. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्वेश्चन, 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसका मतलब हमें प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड कितना देना है? 13%. क्वेश्चन में देकर रखा है 1 CR. 15% डेट, कितना देकर रखा है? 3 CR. तो मुझे बताओ ये 9 CR क्या हो जाएगा? खुद का पैसा प्लस बाहर का पैसा, क्या ये कैपिटल एम्प्लॉयड बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या बनेगा आपका? कैपिटल एम्प्लॉयड. तो बताओ आपका 9 CR क्या बन जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड. ओ हेलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ओके, मुझे इतनी इंफॉर्मेशन से आप पहले मुझे ROI फाइंड करके बताओगे. क्या फाइंड करके बताओगे? ROI. ROI का एक और नाम क्या है? ROC. और दूसरा मुझे फाइंड करके बताओगे ROE. क्या फाइंड करके बताओगे? ROE. मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपको क्या फाइंड करना है? ROC. दूसरा क्या फाइंड करना है? ROE. क्या फाइंड करना है आपको? ROE. ये दोनों बातें फाइंड करनी है जल्दी से फटाफट धनाधन. मुझे दोनों बातें फाइंड करके बताओ. मैंने दोनों फॉर्मूले आपको सिखा दिए हैं, मैंने आपको दोनों फॉर्मूले आपको सिखा दिए हैं. आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है. तुम लोग यार Excuse me. सबसे पूछा कि मुझे ROI या ROC कैलकुलेट करके बताओ, तो सबसे पहले बताओ क्या क्वेश्चन में क्या EBIT दिया हुआ है? बताओ इसमें से क्या माइनस कर दोगे? इंटरेस्ट. तो बताओ इंटरेस्ट कितना है? 3 करोड़ पे 15%. 3 करोड़ पे 15%, बताओ कितना होता है? 45 लाख. कितना होता है? 45 लाख. क्या मैं 45 लाख को 0.45 CR लिख सकता हूँ क्या? ये तो समझ में आता होगा. 45 लाख का इंटरेस्ट है लेकिन मुझे रुपीज इन CR लिखना है, तो डिवाइड बाय क्या कर दो? 1 CR कर दो. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0.45 CR. तुम लोग ऐसे क्यों वियर्ड फेसेस क्यों बना रहे हो? क्या आपको ROC का फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है क्या? क्या आपको ROE का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है क्या? उसके हाँ, तो मुझे बताइए क्या इसके बाद EBIT आ जाएगा? मैंने मान लिया कि टैक्स नहीं है. टैक्स नहीं है तो बताओ क्या EBIT है? क्या वही हमारा PAT हो जाएगा क्या? प्रेफरेंस डिविडेंड. मधुरा तू क्या हो रही है, कंफ्यूज क्यों हो रही है? 1 CR में से क्या 13% दे देंगे क्या? तो 13% देंगे तो कितना देंगे? 13 लाख रुपया. कितना देंगे? 13 लाख रुपया. तो क्या 13 लाख रुपीज क्या प्रेफरेंस डिविडेंड में चला? 13 लाख को हम अगर CR में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कहेंगे? 0.13 CR. तो 0.13 CR दे देंगे. तो बताओ ये जो बचेगा वो क्या बचेगा? अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर. क्या ये आपका 1.22 CR होगा कि नहीं होगा? सबसे पहले मैं ROE कैलकुलेट करता हूँ. चलो क्या कैलकुलेट करता हूँ? ROE. तो ROE का फॉर्मूला बोलो. Earnings available to equity shareholder, या तो PAT minus preference dividend divided by networth होता है ना. क्या होता है networth? क्या networth कोई क्या equity share capital plus reserves and surplus कह सकते हैं क्या? लेकिन हमारे पास यहाँ पे question में reserves and surplus दिया नहीं है. तो आप मुझे बताओगे 1.22 CR divided by 5 CR, क्या 24.4 CR आ रहा है क्या? आपका कोई दिक्कत है क्या? क्या समझ भी नहीं आया तेरे को?
कोई दिक्कत नहीं, आराम से कूल कूल आते होते रहता है, ऐसा होते रहता है। ROI, EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ROI का फॉर्मूला क्या है? ROE तो हो गया ना, अभी मैं ROI कैलकुलेट कर रहा हूँ भाई। अब क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ? ROI, ROI का फॉर्मूला क्या है? नहीं, ROI का एक और नाम क्या है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जिसके भी रिटर्न की बात करेंगे वो कहाँ पे आएगा? डिनोमिनेटर में। उसकी इनकम कहाँ पे आएगी? न्यूमरेटर। तो क्या कैपिटल एम्प्लॉयड क्या डिनोमिनेटर में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और उसकी इनकम कहाँ पे आनी चाहिए? न्यूमरेटर में आनी चाहिए। तो मुझे बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हमारे पास एज पर इन्फॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन क्या 9 CR है कि नहीं, मुझे बताओ फास्ट। तो 9 CR है, तो 9 CR आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है। उसमें से EBIT कितना कमाया? 1.80 CR EBIT कमाया। तो मुझे बताओ क्या ROI आपका 20% आएगा कि नहीं आएगा? मैं यहाँ पे कुछ थियोरिटिकल डिस्कशन करने के लिए सारी बातें समझा रहा हूँ आपको। क्या डिस्कशन करने के लिए? थियोरिटिकल। तो अब मेरी बात बताओ, क्या ROI कितना आया? 20%। लेकिन ROE कितना आया? 24.4%। अच्छा, मुझे आप, अच्छा इक्विटी, एक सेकंड मुझे बताना, इक्विटी वालों का फंड कितना था हमारे पास? 5 करोड़। प्रेफरेंस वाले का फंड कितना था? 1 CR। फिर आपके पास डेट वाले का फंड कितना था? 3 CR। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था? 9 CR। क्या इसको हमने कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा क्या? और उसको इन्वेस्ट करके हमने कितना कमाया? 20% कमाया। हेलो, इसको इन्वेस्ट करके हमने कितना कमाया? क्या 20% कमाया? तो बताओ अमाउंट फॉर्म में कितना कमाया? क्या 1.8 CR कमाया क्या? अच्छा एक बात मुझे बताओ, इक्विटी को आप क्या समझते हो? बैलेंस पे जो इक्विटी लिखा होता है ना, उसको आप क्या समझते हो? ये इक्विटी कौन है? ये इक्विटी हमारी कंपनी के रियल ओनर्स है। कौन है? रियल ओनर्स है। और रियल ओनर्स ऑलवेज क्या कहते हैं? कुछ बचेगा तो हमको देना, नहीं बचेगा तो मत देना। ज्यादा बचेगा तो ज्यादा देना, कम बचेगा तो कम देना, कुछ भी नहीं बचेगा तो कुछ मत देना। तो अब कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, आपकी बैलेंस शीट में इक्विटी वाला भी है, प्रेफरेंस वाला भी है, डेट वाला भी है, तो ये तीनों में से क्या प्रेफरेंस वाला कभी ऐसा कहता है कि कम तो कम ज्यादा तो ज्यादा? वो क्या कहता है? मुझे तो फिक्स परसेंटेज देना ही पड़ेगा। क्या डेट वाला ऐसा कहता है कम तो कम ज्यादा तो ज्यादा? वो तो क्या कहता है? कुछ भी नहीं होगा तो भी देना पड़ेगा। तो मुझे बताओ तीनों में परायो जैसा बिहेवियर कौन करता है? प्रेफरेंस वाला एंड डेट वाला। तो क्या इक्विटी वाला ही क्या अपना है क्या? तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, जो भी बचा कुचा है वो सब कौन लेके जाएगा? इक्विटी वाला लेके जाएगा। अब है ना, एक बराबर से ध्यान से मेरी बात को समझना। मुझे बताओ हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया? जल्दी से बताओ। 20% आया। कितना आया? कॉन्सेंट्रेशन के साथ बातों को सुनोगे क्या? 20% का मतलब क्या 20 divided by 100 होता है क्या? इसका मीनिंग कनेक्ट करो। जब 100 rupees का कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, क्या होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये सिचुएशन में हमने कितने रुपीज का EBIT जनरेट किया? हमने 20 rupees का EBIT जनरेट किया। हेलो, क्या ये 100 rupees में मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे क्या इक्विटी का भी फंड होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या उसमें प्रेफरेंस का भी फंड होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या उसमें डेट का भी फंड होगा कि नहीं होगा? होगा। मुझे बताओ ये 20 rupees जो जनरेट हुआ, क्या उसमें इक्विटी की भी इनकम है कि नहीं है? है। क्या उसमें प्रेफरेंस की भी इनकम है कि नहीं है? है। क्या उसमें डेट वालों की भी इनकम है कि नहीं है? है। तीनों की इनकम है, तीनों की इनकम है, तीनों का फंड, ये तीनों की इनकम। तो मुझे बताओ इक्विटी के फंड पे बताओ इक्विटी का फंड कितना था? जल्दी से बताओ। क्या 5 करोड़ था? इक्विटी के फंड पे कितना कमाया? 20%। तो मुझे बताओ क्या 1 CR कमाया अमाउंट फॉर्म में? मुझे बताओ प्रेफरेंस के फंड पे, प्रेफरेंस का फंड कितना था? 1 CR। तो उसके फंड पे कितना कमाया? 20%। तो क्या 20 लाख कमाया? मुझे बताओ डेट का फंड कितना था? 3 CR। उससे भी कितना कमाया? 20%। तो क्या 60 लाख कमाया? ये तीनों का टोटल लगा लो, ये तीनों का टोटल लगा लो, क्या 1.8 CR आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 1.8 CR का आपका EBIT है कि नहीं है? तो मैंने वापस एक और क्वेश्चन पूछता हूं, EBIT कितने लोगों की इनकम? इक्विटी, सॉरी पहले लिखता हूं, पहले इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डेट, क्या तीनों की इनकम है कि नहीं है? कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना, इक्विटी के फंड से हमने सिर्फ 20% कमाया। कितना कमाया? 20%। लेकिन जब हमने रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट किया तो वो 24.4% आया। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि इक्विटी के पैसों से तो हम 20% ही कमा रहे हैं, लेकिन जो ROE कैलकुलेट कर रहे हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी कितना आ रहा है? 24.4% आ रहा है। तो क्या आपके दिमाग में क्या एक क्वेश्चन रेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि ROI के फॉर्मूला से तो हमने इक्विटी के पैसों से सिर्फ 20% कमाया, तो ROI 24.4% आया कैसे? बढ़ कैसे गया? ये बढ़ कैसे गया? या तो 20 का 20 आना चाहिए था, लेकिन 20 का 24.4%
कैसे हो गया इसका जस्टिफिकेशन देने जा रहा हूं, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मुझे बताओ टोटल मिला के हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था, जल्दी से बताओ। 9 CR। ऑनलाइन वाले बच्चे भी रिस्पॉन्स करेंगे कितना था? 9 CR। इक्विटी के पैसों से क्या 5 करोड़ रुपए क्या 20% कमाया था? तो कितना कमाया था? 1 CR। कितना कमाया था? 1 CR। अच्छा, अब मुझे बताना, प्रेफरेंस के पैसों से क्या 20% कमाया था? तो बताओ अमाउंट फॉर्म में, नहीं, प्रेफरेंस का कितना फंड था? 1 करोड़ का फंड था, तो उससे 20% कमाया था। तो बताओ अमाउंट फॉर्म में कितना कमाया था? 20 लाख। लेकिन सोचो प्रेफरेंस को देना कितना था? क्या सिर्फ 13% ही देना है? क्या कितना परसेंट देना है? 13%। तो उसको देना है सिर्फ 13 लाख। तो भाई क्या कर रहे हो? मुझे लगा कि अचानक से शॉक लगा। मुझे बताओ, हाँ मतलब एक सेकंड, प्रेफरेंस के पैसों से कमाया कितना? 20 लाख, और उसको दिया कितना? 13 लाख। कितना दिया? 13 लाख। तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, प्रेफरेंस के पैसों से कमाया तो 20 लाख, उसको देना पड़ा सिर्फ 13 लाख, तो ये बचा हुआ 7 लाख कौन लेके जाएगा? ये किसको चला जाएगा? इक्विटी वालों को। किसको चला जाएगा? इक्विटी। इसलिए तो इक्विटी वालों को घर के रियल ओनर्स कहते हैं, जो बचेगा, जो भी बचेगा सब मेरे को दे दो, कम बचेगा तो कम, ज्यादा बचेगा तो ज्यादा। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। अच्छा एक और बात मुझे बताओ, डेट को इंटरेस्ट कितना देना है? आवाज नहीं आ रही है। डेट को इंटरेस्ट कितना देना है? 15%। तो मुझे बताइए 3 करोड़ पे उसके पैसों से कमाया कितना? 20%। तो अमाउंट फॉर्म में कितना कमाया? 60 लाख, और उसको देना कितना है? 45 लाख। तो जो बचा 15 लाख ही कौन लेके जाएगा? क्या इक्विटी वाला लेके जाएगा? नहीं ले जाएगा। तो बताओ टेक्निकली इक्विटी वाला 1 करोड़ तो कमा ही रहा था अपने फंड पे, लेकिन आपको नहीं लग रहा है टेक्निकली इक्विटी वाला 1.22 CR कमा रहा है? चेक करो, ये क्या बन जाएगा? टोटल रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर। चेक करो आपका अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर भी क्या 1.22 CR आया था कि नहीं आया था? और कैसे आया ये समझ में आया क्या आपको यहाँ पे? तो जब आप रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करते हो तो क्या लेते हो? 1.22 CR लेते हो डिवाइडेड बाय 5 CR। इसीलिए इक्विटी का रिटर्न क्या ROI से क्या इंक्रीज हो गया क्या आपका? इक्विटी के पैसों से कमाया था तो 20%, लेकिन फिर ROE क्यों 24.4% आया? क्या इसका जस्टिफिकेशन आपको मिला कि नहीं मिला? मुझे बताइए फास्ट। अच्छा अब एक बात मुझे बताओ ध्यान से, प्लीज पे अटेंशन वेरी केयरफुली, लास्ट सेंटेंस, 2 मिनट लगेगी सिर्फ, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल सेंटेंस। मैथमेटिकली, अब मैंने थियोरेटिकली नहीं पूछा है, मैथमेटिकली डेट अच्छा या डेट बुरा? What is the ultimate objective of financial management? How to maximize the shareholders' wealth? हम shareholders की wealth को किस तरह से maximize कर सकते हैं? तो यही ultimate objective है financial management का। और shareholders की wealth एक ही तरह से maximize हो सकती है, share price increase होने से। कैसे increase होने से? Share price। आपने अगर किसी company के shares खरीद के रखे हैं, मैं अभी विप्रो के shares खरीद रहा हूँ, तो मान के चलो 400 रुपये पे हैं, तो मैं 400 रुपये पे खरीद रहा हूँ और टारगेट रखा है 2 साल का। कितने साल का टारगेट रखा है? 2 साल का। तो 400 रुपये पे हैं, अब बड़े सर कहते हैं कि आराम से ये सर 800,000 चला जाएगा। तो ये 400 रुपये पे हैं, तो अगर मान लो कि 1 साल में या 2 साल में इसकी शेयर प्राइस कितनी होगी? 800 हो गई, तो क्या मेरी वेल्थ इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? हाँ मेरी वेल्थ इंक्रीज होगी, लेकिन वेल्थ इंक्रीज किस पे होती है? कंपनी के परफॉर्मेंस पे। अब आप मुझे बताओ क्या डेट के होने से क्या इक्विटी वालों को एडवांटेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना। किस बात का एडवांटेज मिल रहा है? चेक करो डेट के पैसों से कितना कमा रहे हैं? 20%। और मुझे बताओ उसको देना कितना है? 15%। तो क्या बाकी का जो बचेगा क्या वो इक्विटी वाला लेके जा रहा है कि नहीं लेके जा रहा है? तो बताओ ये सिचुएशन में नहीं, बाकी का बचेगा वो इक्विटी वाला लेके जा रहा है, और उस वजह से क्या ROE क्या इंक्रीज हो गया? Yes. अगर डेट नहीं होता तो क्या इक्विटी वालों को क्या ये एडवांटेज मिलता कि नहीं मिलता? बताओ प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस के पैसों से कमाया कितना? 20%, लेकिन उसको दिया कितना? 13%। तो क्या जो बचा क्या वो प्रेफरेंस वाला लेके गया कि नहीं लेके गया? मुझे बताओ कौन लेके गया? प्रेफरेंस वाला लेके गया कि नहीं लेके गया? सॉरी जो बचा वो कौन लेके गया? इक्विटी वाला लेके गया कि नहीं लेके गया? तो प्रेफरेंस की वजह से भी क्या इक्विटी को एडवांटेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो अभी मैं सिर्फ डेट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? डेट की बात कर रहा हूं। डेट इज गुड और बैड? डेट इज गुड और बैड जनरल डिस्कशन नहीं करना है, जनरल डिस्कशन नहीं करना है, मैथमेटिकल डिस्कशन करना है। अगर आपका ROI इज ग्रेटर देन स्मॉल आई का मतलब होता है डेट का इंटरेस्ट रेट, अगर आपका ROI इज ग्रेटर देन स्मॉल आई तो आपका डेट क्या होगा? गुड होगा। क्या आपका ROI 20% है और आपको डेट को इंटरेस्ट कितना देना है? 15%, तो डेट गुड है। सर डेट क्यों गुड है? क्योंकि जो बचेगा वो कौन लेके जाएगा? इक्विटी वाला।
और इक्विटी वाले की इनकम इंक्रीज होगी तो आरओई क्या होगा, इंक्रीज होगा। आरओई इंक्रीज होगा तो शेयर प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी। शेयर प्राइस इंक्रीज होगी तो शेयरहोल्डर क्या बनेंगे, पैसे वाले बनेंगे। तो शेयरहोल्डर की वेल्थ क्या होगी, मैक्सिमाइज होगी। लेकिन अगर आरओआई लेस देन स्मॉल आई है, अगर आपका मान के चलो आरओआई 20% है और आपका स्मॉल आई कितना है, 25% है, तो आपका डेट क्या होगा, बैड। तो आपको क्या ये मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन समझ में आया क्या कि व्हेन डेट इज गुड और ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस बन गया आपका। व्हेन आरओआई, आरओआई का फुल फॉर्म रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन स्मॉल आई, तो ये सिचुएशन में डेट इज गुड। बट आरओआई इज लेस देन स्मॉल आई तो ये सिचुएशन में डेट इज बैड। क्या ऑनलाइन वाला बच्चों को मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, मुझे बताओ फटाफट। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, एकदम क्लियर, क्लस्टर क्लियर, एकदम टकाटक क्लियर है क्या? तो कल ये टॉपिक फॉर श्योर वाइंड अप हो जाएगा, फॉर श्योर वाइंड अप हो जाएगा, एक आध घंटे में वाइंड अप हो जाएगा ऐसा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। लाइक करके जाओगे भाई, शेयर करके जाओगे, कमेंट करके जाओगे। और डायलॉग क्या था वो? वो डायलॉग क्या था जिया? सावधान रहे, सतर्क रहे, देखते रहिए यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स। लाइक करके जाओगे, शेयर करके जाओगे, बराबर है, कमेंट करके जाओगे भाई, दो मिनट निकाल के जाओगे। मिलते हैं भाई, टाटा बाय, टेक केयर।